मेरे पीछे सभी ने दोहराना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है प्राणी का उपकार नहीं है भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में
वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है प्राणी का उपकार नहीं है भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। धन्यवाद। मुंबई के उप महापौर और प्रथम नागरिक मोहनराव मिडबावकर आपके सामने हैं, वो आपका सबका स्वागत करने की चाह रखते हैं। मोहनराव जी, आज के सेमिनार में मुंबई के उप महापौर के हैसियत से मैं आप सभी प्रतिनिधियों का, उप महापौर महापौर जो यहाँ आए उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और दो दिन में जो सेमिनार चलेगा वो सेमिनार में आप सक्रियता से सहभागी होकर इसको ऐसे से बनाएंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। घोर घटा है।
सैंपल मेरे चला के देखता हूँ। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तेरे सामने देख। नमस्ते दोस्त, मैं टेप ऑन की लूज है कनेक्ट, बाद में रखो। ये वाला करा दो। अनेक वर्षों से भारत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के क्षेत्र में विश्व को नेतृत्व देता आ रहा है। शुरुआती दौर में कंप्यूटर के उपयोग को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। कंप्यूटर के कारण बेरोजगारी बढ़ने की संभावना से भी लोग आशंकित रहे, लेकिन गत 7-8 वर्षों में प्रशासनिक मशीनरी में ICT का उपयोग तेजी से बढ़ा है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने तथा प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सफल प्रयोग के साथ ही इस प्रौद्योगिकी का नया पहलू सामने आया है। केंद्र हो या राज्यों की सरकार, IT उनके लिए राजस्व बढ़ाने और खर्च घटाने का एक उपाय बन गया है। एक समय विश्व के सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 1998 में ओपन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके अंतर्गत अधिकांश सेवाएं ई शासन के माध्यम से उपलब्ध कराई गईं। जल्दी ही इन उपक्रमों का परिणाम दिखना शुरू हुआ। 6-7 वर्षों में ही सरकार की साख बहाल हुई और 68% से ज्यादा लोगों ने सरकार के प्रति विश्वास प्रकट किया। भारत में 1998 में ही प्रथम राष्ट्रीय IT टास्क फोर्स का गठन श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA सरकार द्वारा किया गया था। तब से शासन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जोर पकड़ने लगा। कॉर्पोरेट अफेयर्स सचिवालय इसका एक उदाहरण है। इस सचिवालय द्वारा संचालित MCA 21 नामक वेब आधारित प्रशासनिक तंत्र ने भारत में एक नई लहर जगाई। इससे सरकार में हर स्तर पर मौजूद रेड टेपिज्म और भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिली और छोटे और मझोले उद्योगों को पनपने का अवसर मिला। NDA शासन काल में प्रारंभ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासनिक व्यवस्था की पहल आज पारदर्शी प्रशासन का आधार बन गई है। प्रशासनिक व्यवस्था की क्षमता और गति बढ़ाने, कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और आवश्यक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई ICT का उपयोग पूरी तरह सफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगले चरण में ICT को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हथियार के रूप में स्थापित करना चाहती है।
बीजेपी का आईटी विजन 2009 अपनी तरह के सबसे व्यापक दस्तावेजों में से एक है। एनडीए शासित राज्यों में सरकारों ने इसे अपनी नीतियों में शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश में ई समाधान, पंजाब में सारथी, उत्तराखंड में देवभूमि, बिहार में जानकारी और झारखंड में ई निबंधन आदि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचा है। छत्तीसगढ़ का ईपीडीएस सिस्टम हो या मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत, इन दोनों योजनाओं के पीछे की कल्पना ये है कि आईटी का इस्तेमाल करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जाए और होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सके। कर्नाटक में ई प्रोक्योरमेंट की नीति सभी विभागों पर लागू है। 10 लाख रुपए से अधिक राशि के सभी टेंडर इस माध्यम से लिए जाते हैं। 2007 में लॉन्च किए गए ई प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत अब तक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की जा चुकी है। प्रशासन से जुड़े हुए लोग और वित्तीय विशेषज्ञों का अनुभव बताता है कि ठेकेदारों का कार्टेल बनना अब नामुमकिन है और बोली दाताओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसके कारण बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के अनुमानित व्यय से भी औसतन 12% कम राशि में बोली लगी और टेंडर जारी हुए, जिससे राजस्व की भारी बचत हो रही है। यदि इस तरह की ई खरीद की प्रणाली और पारदर्शी आयाम रहे होते तो कॉमनवेल्थ गेम्स और 2G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में देश को राजस्व का नुकसान नहीं होता और शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ती। भूमि परियोजना ने कर्नाटक राज्य के जमीनी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया है। कर्नाटक में लागू इस योजना के फलस्वरूप अनपढ़ किसान गांव के पटवारी के चंगुल से मुक्त हुए हैं। आज 2 करोड़ से ऊपर जमीनी मालिकाना रिकॉर्ड, पट्टे और फसल निरीक्षण रिकॉर्ड इस सिस्टम में संग्रहित हैं। इसे इस्तेमाल करके किसानों को उत्परिवर्तन और स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने में आसानी होती है। इस सिस्टम के कारण पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। जब से सब कंप्यूटर से हुआ है तब से हम किसानों का पैसा और समय दोनों ही बच रहा है। पहले हर काम में बहुत देरी होती थी। पहले तो पटवारी कोई ढूंढने में हफ्ते और महीने लग जाते थे। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्य ही नहीं बल्कि सभी सरकारें शासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग की ओर बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग ने GSM और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी प्रयोग करके सही आदमी को सही समय पर सही भुगतान सुनिश्चित किया है। इससे फर्जी भुगतान, मजदूरों की नकली लिस्ट और कमीशन एजेंट कम हुए हैं। आंध्र प्रदेश हाउसिंग कॉरपोरेशन की आवास योजना में घर बनाकर नहीं दिए जाते बल्कि उन्हें बनाने के लिए जमीन, प्लान, सामग्री और रकम दी जाती है। इसकी प्रभावी निगरानी के लिए हाउसिंग ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। इसमें हर कदम पर उपग्रह और GIS तकनीक के द्वारा मकान बनाने की प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। मकान के निर्माण की प्रगति के अनुसार भुगतान किया जाता है। ICT का संपूर्ण उपयोग करने वाली आधार कार्ड परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन, नरेगा और PDS जैसी व्यापक और भ्रष्टाचार में डूबी हुई परियोजनाओं में पारदर्शिता लाकर उन्हें प्रभावी निगरानी और नागरिक केंद्रित बनाने में मददगार साबित होगी। हाल ही में गुजरात में ई भर्ती के द्वारा 10,000 से ज्यादा शिक्षकों का चयन किया गया। आवेदन, परीक्षण, मेरिट लिस्ट और पोस्टिंग सब कुछ ऑनलाइन किया गया, जिससे लागत बहुत कम रही। पूरा काम सिर्फ 28 दिनों में पूर्ण हुआ। कोई पक्षपात नहीं हुआ, पारदर्शिता बनी रही, सही व्यक्ति चुने गए और जनता का विश्वास बढ़ा। साथ ही शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को बढ़ावा भी मिला। ये जो भर्ती थी वो बहुत ही सरल और एकदम पारदर्शक थी। ये जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छी है। ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। गुजरात की सीमा राजस्थान और महाराष्ट्र से लगी हुई है, लेकिन इन चेक पोस्ट पर गुजरात का रोड टैक्स कलेक्शन,
राजस्थान और महाराष्ट्र से 200 करोड़ अधिक है। ये टोल गेटों पर सफल ई निगरानी का परिणाम है। पहले आते थे हम तो कांटा और वो कंप्यूटर नहीं था तो देर लगती थी काम। अब फोर लाइन जब से हो गया है और ये कांटे लग गए हैं, यहाँ कंप्यूटर लग गया है तो काम जल्दी हो जाता है। गुजरात में स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्वागत द्वारा आम आदमी को सरकार से चार स्तरों अर्थात ग्राम, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर जोड़ने की योजना है। आम आदमी की कोई भी समस्या इस सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है और उपयुक्त स्तर पर सुलझाई जाती है, अन्यथा अगले स्तर पर भेज दी जाती है। महीने के आखिरी गुरुवार को अपराह्न 3 बजे तक अनसुलझी समस्याओं पर मुख्यमंत्री स्वयं ध्यान देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर, जिला विकास पदाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री के सामने प्रत्येक आवेदक की समस्या का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके तत्काल निवारण करते हैं। इस सिस्टम की वजह से सरकारी तंत्र की जवाबदेही और नागरिकों की समस्या निवारण के परिणाम स्वरूप नागरिकों का शासन में विश्वास काफी बढ़ा है। गुजरात में प्रत्येक तहसील में जन सेवा केंद्र मौजूद हैं, जहां 86 से अधिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें से 15 सेवाएं एक ही दिन में पूर्ण की जाती हैं। वनडे गवर्नेंस के नाम से प्रचलित ये सेवाएं ICT के माध्यम से कुशल रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। दस्तावेजों के स्वप्रमाणीकरण जैसी नागरिक सशक्तिकरण प्रक्रियाओं और तकनीक के समावेश से बिचौलियों को हटाकर त्वरित सेवा प्रदान करना संभव हुआ है। राज्यों द्वारा ICT के प्रभावी कार्यान्वयन से जनता को भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्ति की प्रौद्योगिकी यानी लिबरेशन टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी। ये फिल्म केवल कुछ प्रयासों को दर्शाती है, मगर और भी बहुत से ऐसे प्रयास हैं जो हमारे समझने लायक हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित एक जिम्मेदार सरकार और पारदर्शी प्रशासन भारत को गौरवशाली और सशक्त देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। I would request all the mayors and deputy mayors to come ahead on the first row, please. The ministers and the mayors. Individually, it is not possible to take individual names. Nasik ke Mahapur aaye hain, Bangalore ke hain, Rajkot ke hain, minister hai Karnataka ke. Aap sabhi aage aa jaye, aage first row mein please padhare. Sthanik karyakarta shayad aapko jaan nahi payenge. Pehla jo sofa hai, ye chune hue pratinidhiyon ke liye hai. ग्वालियर की भी मेयर है, दीदी आपका स्वागत है। सुरेश कुमार जी, द लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर इज हियर, प्लीज। नमस्कार। नाशिक चे आमचे उपमहापौर सतीश राव, तुम्ही कुठे आहात? बेंगलोर के मेयर भी है यहाँ पे। मेरा भाईंदर के गटनेता है राज जी। बाबा साहब जसपी महाराष्ट्र प्रदेश के जितने अपने कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े हुए लोगों को अंदर लाएंगे, कार्यक्रम चालू करेंगे, ऊपर से भी भोजन मंत्री की व्यवस्था कराएं। कादरीवाल जी, इफ यू कैन जस्ट काइंडली कम इन हियर प्लीज। स्क्रीन किसका है? स्क्रीन जो है, स्क्रीन वाले सज्जन कहां पे है? लीजिए लीजिए।
स्क्रीन हैंडल कौन कर रहा है? प्रभाकर शुक्ला जी के, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, थोड़ा स्क्रीन को आने के तो आएगा नहीं तो कट होगा उसको, हाँ तो उसको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा। विश्व अध्ययन केंद्र के संजय जी आए, आपका स्वागत है संजय जी, आइए प्लीज प्लीज। अरविंद गुप्ता जी राष्ट्रीय कन्वीनर आइए, कार्यक्रम चालू करते हैं। सुधींद्र जी कुलकर्णी जी आपका स्वागत, आप आगे आइए। जयप्रकाश ठाकुर जी, सलाह सगन आप मे बोलूं क्या? राजेश जयवीर जी प्लीज आगे आइए, चलिए चालू करेंगे। नितिन जी का वहां से आगमन हो सकता किसी भी समय, इसलिए तुरंत चालू करेंगे। जयवंत बागचा लोगों ने सगन आप मे बोलवा। आमदार सारा सिंह जी आइए, सोम मित्तल जी आपका मुंबई में स्वागत है, नमस्कार जी। धनराज जी का स्वागत है, आइए। अरविंद जी चालू करेंगे, साहब नितिन जी लैंड हो चुके हैं, इसके लिए उन्होंने कहा कि चालू करना है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चेयर लग, व्यवस्था के कार्यकर्ता पीछे चेयर लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के आए हुए प्रतिनिधि महापौर जी बेहरा जी आपका यहां पे स्वागत है, प्रबोध मीन जी आपका भी स्वागत है, और जोगेश लांबा जी आपका स्वागत है। चेयर राउंड का जरा, जनार्दन बाला साहब द्वारा मागे चेयर लाऊं गया, फटाफट सगाना भरून गया। वर्ती मंत्री ग्राउंड बुलवा। नगर सेवक प्रेम भाई शाह आपका स्वागत, आइए आगे, आइए आगे आ जाइए, आप आगे आएंगे अच्छा लगेगा। जयवंत कार्ड राहिलं माझ्या काही सकाळी निघालो ना 7:30 कार्ड आपलं होतं ना इन्व्हिटेशन कार्ड
असेल ना कुठे तरी एखादं असेल पाहू का कोणाला आणायला सांगू इन्व्हिटेशन कार्ड आहे ना आपला मी दिसला की हमारे मेयर को दीजिए फटाक से अवधूत बाग पुढे आले एक सूची बनेल ना हो बनवलं नाही तिथे घेतलंय सगळ्यांचे आता हे घेतलेले आहेत पण माझ्याकडे सुटबीट सगळं मी घालत नाही कुठे घालत हे नुसतं ब्लेझर आहे माझ्याकडे सूट पण आहे लग्नात आता होत नाही पण नवीन नवीन मी घेतलंय दोन नाव असतो म्हणजे शिल्पवाडीने त्रास द्यायचा तर देऊ शकतो शिल्पवाडीने त्रास द्यायचा तर देऊ शकतो मोहन राव तुम्हाला वेगळा आहे याच्यामध्ये महापौर उपमहापौर आणखीन कोण आहे प्रशांतभाई जनार्दन जेवढे बीजेपी आयटीसीचे कार्यकर्ते त्यांनी वरच्या लोकांना खालती बोलवा त्यातल्या लोकांना पण इथे आतमध्ये बोला नरेश चला खालच्या लोकांना वरती बोला लगेच विनय जी सहस्त्रबुद्धे आपका स्वागत है विनय जी आगे आए तुम्हें इतना बसा का आणि मिनिस्टर्स आणि मिनिस्टर्स कर्नाटकाचे मिनिस्टर आहेत आयएएस ऑफिसर आहेत आणि नॅशकॉमचे जे आहेत पद्मनाम आचार्य जी आप आगे आहे पद्मनाम जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के संतोष जी गुप्ता जी पद्मनाम जी को आगे लेके आइए आप सभी का फिर से मुंबई में स्वागत है आप लोग आप यहां पे आए हिंदुस्तान के कई स्थानों से लोग आए हैं महापौर है उपमहापौर है एमएलए है मिनिस्टर्स है आईटी के डेलीगेट्स है नेशकॉम के चेयरमैन हमारे मित्र सोम मित्तल जी सुनेंद्र जी यहां पे आए हुए हैं मैं मुंबई और महाराष्ट्र की वती से आपका सभी का स्वागत करता हूं नितिन जी किसी समय में यहां पर आएंगे उसके पहले कार्यक्रम चालू करेंगे सगळे म्हणजे महापौर उपमहापौर कारण जिथे याला युती आहेत ना ते तपकडे उपमहापौर आहेत ना युतीमध्ये आपला जास्त असेल की आपलाच आहे माधवराव इथे ठेवतो
एंटरटेनमेंट के लिए ना करिए, एक बार करिए।
नमस्कार, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मुंबई में स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे ताकि शायद ना आपका ध्यान मेरे पास आ जाएगा। जो कार्यकर्ता हमें खड़े, कादरीवाल जी, शिखा जी, प्रशांत जी, चला श्याम जी, एक बार बैठ के लेंगे तो क्या होगा, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। चलिए कार्यक्रम चालू करेंगे। नितिन जी आ चुके हैं, कार्यक्रम चालू नहीं होगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। मोहन राव मिडवावकर, मुंबई के उप महापौर मोहन जी मिडवावकर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप ऊपर आए। सभी डेलीगेट्स का एक बार अभी स्वागत करें, फिर से स्वागत करेंगे, लेकिन एक बार आप स्वागत कर दीजिए। राजपुरोहित जी, मुंबई के अध्यक्ष राजपुरोहित जी से भी निवेदन कि वो मंच पे आए। सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के इस ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के नेशनल कन्वेंस में पूरे भारत से आए हुए महापौर, उपमहापौर, मिनिस्टर्स, एमएलएस, आईएएस ऑफिसर्स और अन्य सभी मान्यवरों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब ने जो आदेश दिया, वो आदेश के अनुसार तुरंत ही यह कन्वेंशन का यहाँ आयोजन किया है, तो हम गडकरी साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं और आपका फिर एक बार तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। मुंबई की तरफ से स्वागत करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी मुंबई की तरफ से भी आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। भारत के सभी प्रांतों से उप महापौर, महापौर, आईटी के विशारद, आईटी सेल के कार्यकर्ता यहां पे आए। जिन कुछ लोगों को डेटा में अगर रुचि हो तो 19 राज्यों से प्रतिनिधि यहां पे आए हैं। कर्नाटका के मिनिस्टर सुरेश जी हमारे साथ हैं। लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर हैं आप। अनेक मेयर है, मैं सभी मेयरों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, कुछ नाम छूट जाएंगे, मैं कई लोगों से परिचित है, अगर नाम छूट गया तो आप मुझे माफ कर दे, मैं पहले से ही आपसे एक दरख्वास्त करता हूं। हमारे साथ में बहन ग्वालियर से है, डांगी जी भी है यहाँ पे, बेंगलोर के महापौर जी है, राजकोट के महापौर है अपने साथ में, छत्तीसगढ़ से भी उप महापौर साहब है हमारे पास, कई सारे नाम है, मैं धीरे धीरे पढ़ते जाऊंगा। राजपुरोहित जी अगर कहे सभागृह में तो आए, या अल्पेश भाई राजपुरोहित जी को लेके आए। इन्हें जी याद ही
डॉक्टर वेंकटेश कम आस्ट्रो मेडिकल एडवाइजर और मेरे टू विल ऑक्यूपाई द फ्रंट सो मेडिकल राजेंद्र पवार नितिन गडकरी के बाजू में एक जो है हम वहाँ पर बैठे हैं इनके बाजू में राजकोल उसके बाद नितिन जी सोम मेडिकल उसके बाद बाकी आपण मागे सुरेंद्र अतुल भाटखाकर सुधीर मुनगंटीवार सुधीर भाऊ जर आले तर त्यांना पुढे बस पुढेच बसावं लागेल ना पण ते आलीच नाही तसं तरी बसवतो इथं सुरू ना इथं बसवतो पुढे चेअर घेऊ का हां कारण हे दोन दोन केच आहेत ना तीन तीन नाही चेअर घेऊन घ्या का चेअर लावायला सांगू का हां एखाद दुसरे पण तर लावू आपण बघूया ते बघू जगमोहन मेटवापर्यंत माझ्या तुझी आहे बस सुधीर कुलकर्णी माधव भांडार सुधीर भाई वाले तर मोहनजी नाही मागे घ्या सुधीर सुधीर बस संपला विषय माधव भंडारी नाही वर बोलवा नेते आहे अतुल भाटखाकर माधव भंडारी सुधीर कुलकर्णी बस संपला आपण मागे बसू म्हणजे मीटिंग अजून कोण आहे का कार्यक्रम तो आगे बढाएंगे हाँ लोगों को ऊपर बुठाइए केवल राजेंद्र पवार और सोम मित्तल को आज पहले मत बुलाइए बाकी कोई दिखता है तो उसको ऊपर बुला लेंगे नहीं तो मैं नामकरण बोला तुझे कॉमेंट्री चालू दे मैं जरा मेरा फोन कर दू कुछ पर आलेत आलेत म्हणून सांगितलं आहे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते राजी आइए मुंबई के अध्यक्ष और जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में हमको बहुत सारी मदद की जिनके बिना कार्यक्रम नहीं हो सकते थे मैं तहे दिल से कार्यक्रम के पहले आपको धन्यवाद देता हूं राजी आप मंच पे पधारे एमएलए योगेश सागर जी का स्वागत है प्लीज कम बहुत ही यंग और युवा आमदार है अरविंद गुप्ता जी आप मंच पे आए अरविंद जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते आइए राष्ट्रीय संयोजक है आईटी सेल के अरविंद जी यू आर इन द लास्ट जब कार्यक्रम चालू होगा और नितिन जी जैसे आएंगे मुंबई के अध्यक्ष के नाते राज जी नीचे जाएंगे बाकी लोग सभी बैठे रहेंगे राज जी नीचे जाएंगे माननीय विनय जी ससुर बुद्धे विनय जी सुधींद्र जी कुलकर्णी अतुल जी भातकलकर भंडारी जी नितिन आगमन झालेलं आहे बहुतेक मंच की व्यवस्था बता दे मोहन जी रहेंगे मंच के उनके बगल में नितिन जी रहेंगे नितिन जी के बगल में सोम मित्तल जी फिर राजेंद्र पवार जी रहेंगे तत्पश्चात अरविंद जी रहेंगे पीछे के इसमें विनय जी ससुरबुद्धे रहेंगे सुधींद्र जी कुलकर्णी अतुल भातकलकर और माधवराव भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी गडकरी जी का आगमन हो चुका है उनके स्वागत है राज्य आप जाएंगे बाकी लोग बैठेंगे यहां नहीं आए बैठिए नीचे आएंगे आप बिल्कुल हलिए मत प्लीज बी सीटेड देयर इटसेल्फ राज्य विल एस्कॉर्ट हिम अप जब तक सभी अतिथियों का आगमन होता है अरविंद जी आप कुछ सूचना देना चाहेंगे तो आप बताइए मे बी यू मे लाइक टू शेयर दिस थिंग
देयर आर पीपल्स अरविंद जी बोलेंगे उसके पहले माधव भंडारी अतुल भक्तलकर जी सुधींदर जी कुलकर्णी अगर कहीं पे है तो मंच पे आएंगे जब तक हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे हैं जो प्रोग्राम रहेगा औपचारिक चीजें करने के बाद विनीत जी एक वेलकम एड्रेस करेंगे फिर राज जी अपना थॉट शेयर करेंगे सुधीर जी करेंगे हमारे बीच में सोम मित्तल वो जो नैसकॉम और आईटी इंडस्ट्री की जो बॉडी है नैसकॉम उसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं और श्री राजेंद्र पवार जी हैं जो एनआईटी कंपनी के चेयरमैन हैं और एक पद्मभूषण विनर हैं अवार्डी हैं सो दे विल शेयर देयर थॉट्स ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस आइडियाज अराउंड इट आइडियाज फॉर न्यू इंडिया एंड ऑफकोर्स एंड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी एक पूरे बीजेपी का विजन टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस के ऊपर की नोट स्पीच देंगे चीफ गेस्ट एड्रेस देंगे तो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग प्रोग्राम चालू होने में बस दो मिनट बचे हैं जब अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर आते हैं हमारे साथ बने रहिए नवरंग वो अटल जी वाला चला रहे हैं कुछ अभी नहीं चला नहीं बाद में चलाएंगे इस पूरे प्रोग्राम की लाइव वेबकास्ट हो रही है तो पूरे देश भर में जितने बीजेपी के कार्यालय हैं जितने बीजेपी के ऑफिस हैं उसमें इस प्रोग्राम को लाइव दिखाया जा रहा है और इसी हमारे कम्युनिकेशन सेल के माध्यम से पारितोष जी हैं यहां पर कहीं इसको पूरा लाइव ट्वीट और सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है तो ये पूरा प्रोग्राम जिस भी तरह से न्यू मीडिया डिजिटल मीडिया पे भी पूरा जा रहा है जितना लोग यहां पर हैं उससे ज्यादा लोग इस हॉल के बाहर भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को तो प्रोग्राम में लिमिटेड ऑडियंस और लिमिटेड डेलीगेट्स को हम इनवाइट कर सकते थे बट ये प्रोग्राम पूरे देश भर में जा रहा है और ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तो और बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो चीजों का आज बात करेंगे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर दो दिन तक टेक्नोलॉजी हम उस टेक्नोलॉजी का खुद भी प्रयोग कर रहे हैं खूब प्रयोग कर रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग लगे हुए हैं जो लाइव अपडेट कर रहे हैं सबके बारे में बता रहे हैं कि प्रोग्राम क्या चल रहा है यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का प्रोग्राम सोशल मीडिया पर देखकर आए हैं यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से जानकारी लेकर प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं कितने लोग ऐसे कर खड़े हो जाएंगे प्लीज अपना बताएंगे आपको कहां से पता चला इस प्रोग्राम के बारे में और ये क्या पहली बार आप आ रहे हैं बीजेपी के किसी प्रोग्राम में अरविंद जी आप बताइए आपको कैसे पता चला इस प्रोग्राम के बारे में ट्विटर से पता चला फेसबुक से ट्विटर से किसको पता चला और बहुत अच्छा वेलकम आप सब लोग प्लीज डेलीगेट फॉर्म भरिएगा आप यहां आए तो आप पार्टी के साथ थोड़ा सा तो सपोर्ट रखते हैं और जुड़ना भी चाहते हैं तो डेलीगेट फॉर्म जरूर भरिएगा प्लीज वेलकम ताली बजाकर सबका स्वागत किया जाए ऐसे बहुत लोग हैं जो पहली बार किसी पार्टी के फंक्शन में आए हैं और ये लोग हम इनको ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से या शायद एसएमएस के माध्यम से जानते हैं तो आज पहली बार किसी एक ट्विटर या फेसबुक या ईमेल अकाउंट का फेस सामने आ रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे जोड़ रहे हैं पार्टी के साथ जो पहली बार आ रहे हैं चैनल के माध्यम अपने फेसबुक के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से हमने अभी थोड़ी जब फॉर्मल प्रोग्राम चालू हो जाएगा हम एक नया इनिशिएटिव लिया था नवरंग सब लोग जरा बैठ जाए यहां पर ये जो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रयोग किया था कि हमने अगेन सोशल मीडिया के माध्यम से वी हैड आस्क फॉर आइडियाज इनोवेटिव आइडियाज फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत सारे आइडियाज भेजे हैं करीब हमारे पास 1000 आइडियाज आए कि टेक्नोलॉजी का यूज करके करप्शन में कैसे डिटेक्शन हो सकती है उनमें से कई आइडिया आज हम अवार्ड करेंगे और रिकग्नाइज करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कौन आए हैं टीसीएस पुणे से जिनको आपका नाम क्या है सर सुधीर श्रीहरे
सुधीर जी, एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुधीर जी। कहाँ लिखने वाले? और ये रमेश जी, रमेश लांबा जी, आप भी हमारे साथ ऐसे आए हैं जिन्होंने आइडिया भेजा है हमको और इनका आइडिया सिलेक्ट हुआ है। वेलकम रमेश जी। आज सर एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, आज साढ़े पांच बजे शाम को हमारे पार्टी के बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता श्री सुधींद्र कुलकर्णी जी का बुक का फॉर्मल लॉन्च है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं चवन ऑडिटोरियम में मुंबई में 5:30 बजे। तो उस चीज की मैं सूचना आपको देना चाहूंगा, 5:30 बजे चवन ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर जाकर इस बुक का विमोचन करेंगे। और डेस्क पे कर देना, डेस्क पे रख देना। नगर सेवक प्रवीण शाह जी, प्रवीण भाई आशयवी पाटील ताई आहेत का पुढे तिथे मंचावरती? तुम्ही पुढे आहोत जरा ताई, आशयवी जी जा पुढे। पहले पंक्ति में मिनिस्टर्स, उप महापौर, एमएलए बैठेंगे, खुर्चा कम होने से यहां पे भी बैठेंगे, बाकी आईटी सेल के कार्यकर्ता पीछे जाएंगे। परेश चौधरी आयत का सभागृह, एक गीत ले लेता हूं। गीत आएगा, गीत गाने वाला। आप सभी के पास एक पत्रक दिया होगा गीत का, निर्माणों के पावन युग में वी फ्रॉम द मॉडर्न एज ऑफ आईटी इफ वी फॉरगेट अवर कैरेक्टर्स द कंट्री में नॉट लिव टू राइट वे। वी हैव यंग परेश चौधरी हियर हु विल सिंग द सॉन्ग निर्माणों के पावन युग में, चरित्र निर्माण ना भूले। आपसे निवेदन है कि उनके कथन के बाद आप भी शुद्ध हो रहे हैं। गीत सामूहिक है, मेरे पीछे सभी दोहरा है। राजश्री शिरवाड़कर जी आहेत का? वहिणी पुढे आव।
एक स्टांजा कंप्लीट होने के बाद पहली दो लाइन सभी साथ में दोहराएंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। इतने धीरे अगर होगा तो निर्माण में फिर चरित्र निर्माण नहीं होगा, थोड़ा जोर से लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के हम सभागार में बैठे, थोड़ा जोर से होगा। अब अरुण देव जी का आवाज सुनिए, देखिए कितना जोर से आएगा। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। धन्यवाद। भारत माता की। ये थोड़ा आवाज और जोर से होता तो नितिन जी सेना भवन तक पहुंचे, शायद वहां तक आवाज जा सकती है। एक बार कोशिश करेंगे जोर से। भारत माता की। हमारे बीच में कई सारे गणमान्य महापौर है, उप महापौर है, आईटी के डिग्निटरीज है। कई लोगों से मेरा साक्षात परिचय नहीं है,
मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जब तक नितिन जी आएंगे आप अपना परिचय करें, कार्यकर्ता आपके पास आ रहा है दीदी ग्वालियर से, तो दीदी आपसे परिचय करेंगे, केवल नाम बताना है कौन से शहर के आप उप महापौर या मंत्री है ये बताएंगे, कौन से जिला इसके। करीब 19 राज्यों से प्रतिनिधि आए हैं। सभी को मेरा नमस्कार, मैं ग्वालियर महापौर समीक्षा गुप्ता। ग्वालियर से आई है अपनी बहन समीक्षा जी, उनका स्वागत है। डांगी जी परिचय कराइए। हाँ, रजनी डांगी, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर के बहुत ही जोरदार इसे नगर सेविका है, फिर वहां के महापौर है। सतीश जी आप तो वहां देखेंगे, सभी लोग आपको देखे। सतीश जी बड़े धड़ल के नगर सेवक है और कुलकर्णी डिप्यूटी मेयर नासिक कारपोरेशन। नासिक से एक एक मिनट दीजिए, मैं परिचय के साथ में बोल दो। नासिक के आप बहुत ही होनहार वहां के नगर सेवक, आप डिप्यूटी मेयर भी है, आप बेंगलोर से हैं, बताइए। मैं डी वेंकटेश मूर्ति, बेंगलोर का मेयर आई। आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज सर। आई एम विजय कुमार, एमएलए फ्रॉम बेंगलोर। आप आमदार है, आप है सुरेश कुमार जी, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर है कर्नाटका के, वो परिचय किया। जोगेश लांबा, महापौर कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मेयर काउंसिल में राष्ट्रीय सचिव का भी दायित्व है। बहुत यंग है और जोरदार भी है। मैं प्रबोध बिंज फ्रॉम छत्तीसगढ़। प्रबोध जी ऐसे घूमना पड़ेगा, मीडिया आपका फोटो और क्या, ये पूरे भारत में इसका ब्रॉडकास्ट हो रहा था, एक बार परिचय कर दीजिए। प्रबोध बिंज छत्तीसगढ़ अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मेयर हूँ और छत्तीसगढ़ स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मेयर काउंसिल का। छत्तीसगढ़ के एक और भाई हमारे साथ में। मायसेल्फ डंबरू बेहरा, चिरमिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर। राजेंद्र जी ऐसे परिचय सभी का है लेकिन फिर से एक और बार करने का मौका मिलेगा। राजेंद्र सिंह पवार, फाउंडर एनआईटी का फाउंडर। हमारे मित्र सोम जी हैं यहाँ पे, सोम मित्तल, प्रेसिडेंट नैसकॉम। डीडी गोहल फ्रॉम भावनगर, डेप्यूटी मेयर गुजरात। भावनगर के बहुत ही। सबको मेरा नमस्कार, सुरेश तांदलिया, भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात के महापौर हूं। राजकोट के जो महापौर है, आपका परिचय करते हुए बड़ा आनंद होता है, बहुत ही युवा है मन से, आप उनके बाल पे मत जाइए, बिल्कुल एकदम मोस्ट फैशन से आया हूं। राजकोट महानगर पालिका का मेरा नाम जनक भाई कोटक है। जनक भाई आपका स्वागत है। पहले यहां सभी आए हुए कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में मैं बताता हूं, मैं पंजाब से आया हूं, पटियाला से। मैं सीनियर डिप्टी मेयर की जिम्मेवारी पार्टी ने मेरे को दी है, वो मैं पटियाला में सबसे 2080 वोटों से जीत कर आया हूं। मैं हरिंदर कोहली, डिप्टी मेयर पटियाला पंजाब से। पटियाला में सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर ऐसी दो पोजीशंस होती हैं, दोनों हमारे साथ, आप दोनों का स्वागत है। सच में युवा है। राजकुमार जी कहाँ है? मैं प्रशांत सुभाष देसरडा, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद जिसे संभाजीनगर कहते हैं अपन, वहां का उप महापौर हूं और थर्ड टाइम नगर सेवक हूं। पद्मनाभ जी, पद्मनाभ जी सर, यू आर बीन वेरी सीनियर एंड वी हैव बीन लीडिंग। आप है पद्मनाभ आचार्य जी, मैं जिस विद्यार्थी परिषद में काम करता था 1967 से, उन्होंने जो प्रोजेक्ट चालू किया सील, उसका मैं आज काम करता हूं। हम सभी लोग जो यहां पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई में, आपको नमस्कार। मेरा नाम पद्मनाभ आचार्य, मैं कार्यकर्ता हूं, ओवरसीज बीजेपी का है, उसका विंग कमांडर प्रमुख। हम सबके प्रेरणा स्रोत है और उनके कारण ही हम, मेरे मित्र अविनाश दलाल जी बैंक के डायरेक्टर, बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर रह चुके, आप अपना परिचय। राजकुमार जी, मैं अविनाश दलाल, भारी उद्योग प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सह संयोजक हूं, जिनके साथ में मैं पढ़ा। अरुण जी मैं परिचय करके देता हूं, अरुण देव जी उप महापौर रह चुके मुंबई के, मेरे मेंटर रह चुके हैं, नेशनल कन्वेनर फॉर बीजेपी स्लम सेल। राजू देसाई फ्रॉम सूरत, चार टर्म से मैं कॉर्पोरेटर हूं, गुजरात से आया हूं। थैंक यू। एक बहुत ही होनार उप महापौर साहब का, महापौर साहब का परिचय करके देता हूं, जिन्होंने मेरा पहला प्रोग्राम आईटी का बीजेपी का लगाया था, जिसके कारण मैं आज यहां पे खड़ा हूं। सुरेश साहब तुमसे स्वागत है, नागपुर के बहुत ही
कैपेबल। मैं प्रोफेसर अनिल सोले, महापौर नागपुर। वैसे मेरा पांचवा टर्म है ये नगर सेवक का, और ऑल इंडिया मेयर काउंसिल है उसका जनरल सेक्रेटरी हूं। हमारे राजू भाई सूरत के मेयर है, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के है। उन्होंने ये परिचय नहीं दिया था इसलिए मैंने करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत है। पर एक तो स्वागत है। मैं संदीप जाधव, उप महापौर नागपुर। ताई बोलूं क्या? जो वार्ड में हम कभी जीते नहीं बंबई में, ताई पहला भी करूंगा तो तुम्ही कधी त्या वार्ड मध्ये आम्ही कधी जिंकलो नाही। फार चॅलेंजिंग परिस्थिती होती, ताईने फार चांगले तिथून मत काढली आणि अशा वेळी ताई तिथून निवडून आले। पहिल्यांदा आपण तिथे निवडलोय, फारच मेहनत त्याने घेतली। अशा वेळी ताई यांचा स्वागत। आफ्टर 25 इयर्स शी हॅज गॉट द सीट्स देअर अँड शी हॅज बीन। मी आशावरी पाटील, नगरसेविका बोरिवली। भारतीय जनता पार्टी में केवल महिलाओं को भागीदारी नहीं तो यंग महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को भी भागीदारी है। अगली जो नगर सेविका आपके सामने आएगी उनको देखिए, आपको समझ में आएगा कि। नमस्कार, आई एम राजेश्वरी शिरवाड़कर फ्रॉम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। माननीय नितिन जी का आगमन हो गया, इसके लिए मैं परिचय पर रुका था। डॉक्टर हिप्पल गांवकर डायरेक्टर यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, डॉक्टर अलका मांडके जी यहाँ पे है, सभी का एग्नेशन है। वी विल नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट्स, वहीं पे खड़े रहेंगे आप लोग, सिर्फ घूम सकते। नितिन जी का आगमन हो चुका है। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी का। आप लोग वहीं रहेंगे नितिन जी, आज जैसे अंदर आएंगे आप हिलिए मत, सीट से नहीं निकलेंगे प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द डेलीगेट्स टू बी देयर इटसेल्फ टिल ही कम्स। आई हैव संजय कोल्हापुरे जी, प्रेसिडेंट ऑफ विश्व अध्ययन केंद्र हियर, रंजीत शेट्टी डायरेक्टर सीआईपीएल हियर, आई हैव माय फ्रेंड फ्रॉम एमपी हु इज भारत माता की। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन जी गडकरी जी का आगमन हो चुका है। वंदे भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी का स्वागत हो चुका है। नितिन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोम मित्तल जी, राजीव पवार जी आप भी मंच पे आए। राज जी माननीय अतुल जी भातकलकर, माधवराव भंडारी मंच पे आएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश आईटी सेल की तरफ से नितिन जी, सोम जी, राजवीर जी सभी का स्वागत है मंच पे। सुरेश जी प्लीज कम ऑन स्टेज। कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर है सुरेश जी, आप मंच पे पधारे। अरविंद जी आप यहां पे आ जाइए। माधव भंडारी जी कुछ जहां पे है, एक कार्यक्रम चालू होने के पहले एक शोक प्रस्ताव है। विनय जी शोक प्रस्ताव रखेंगे, उसके दीप प्रज्वलन कर रहे हैं ना। मैं नितिन जी, सोम जी और सभी को कहूंगा कि दीप प्रज्वलन करके अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उसके
नेता वगैरे म्हणून होतो मी फक्त सांगतो काय Delegates, brothers and sisters gathered over here. Yesterday, the party lost one of its very senior leaders, Shri Kedarnath Sahani. Maybe some of you are aware that Shri Kedarnath Sahani was one of the very senior leaders of the Bharatiya Janata Party right since the Jansangh days. He had worked with Pandit Deendayal Upadhyay ji, Lala Hansraj Gupta, who was one time a mayor of Delhi. Later on, Sahani ji himself, who rose from a very simple background as a RSS Swayamsevak, and then became mayor of Delhi, then became chief executive counselor, Mukhya Karyakari Parishad of Delhi. He also was behind the bars in during the emergency. Later, during the Bharatiya Janata Party rule, first he was the governor of Sikkim and later on he was appointed governor of Goa. Shri Kedarnath Sahani un hamare pramukh netaon mein se the jo hamare path pradarshak rahe aur jinhone party mein aane wale karyakartaon ki peedhiyon ka lagatar margdarshan kiya. Jab party mein हारने के लिए चुनाव लड़ने की पद्धति थी, क्योंकि हारना तो तय था और कोई आगे आना और जीतना शायद ही हो सकता था. ऐसे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में जिन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया और पार्टी को पूरा बल देने के लिए तन मन धन पूर्वक पार्टी की सेवा की, ऐसे महान नेताओं में श्री केदारनाथ सहनी थे. अभी अभी तक वो पार्टी के कार्यालय में आते थे. पार्टी के ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो एक कक्ष चलता है विदेश में काम करने वाले पार्टी के अभिभावकों का, उनके मार्गदर्शन का काम वो करते थे. लगातार पार्टी में इसलिए आते थे कि पार्टी के साथ जुड़ा रहना उनका स्वभाव था. विगत केवल 2-3 महीने वो आ नहीं पाए क्योंकि बीमार थे, फिर भी ठीक हो गए थे, फिर से आना प्रारंभ भी हुआ था. इतने में उनको वायरल फीवर के कारण पुनः एक बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और कल सुबह 10:20 बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. श्री केदारनाथ सहनी को हम सभी की तरफ से अपनी भावभीनी आदरांजलि अर्पित करते हैं. मैं सबको अनुरोध करता हूं कि हम 2 मिनट श्रद्धांजलि के रूप में खड़े रहें. ओम शांति शांति शांति. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. स्वागत का कार्यक्रम है. मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राज पुरोजी से निवेदन करता हूं कि उन्होंने स्वागत का कार्यक्रम आगे बढ़ाना है. मुंबई की तरफ से नितिन जी का स्वागत. सबसे पहले राज जी करेंगे. भारत माता की वंदे. राजेंद्र पवार जी का स्वागत करेंगे. राजेंद्र जी एनआईटी के चेयरमैन हैं, बड़े आईटी के. महाराष्ट्र में एक पद्धत है श्रीफल देने की, सभी को ये एक शुभ की निशानी मानी जाती है. आप सोम मित्तल जी नैशकॉम के चेयरमैन हैं, वेरी इंटेलिजेंट एंड इल्यूमिनेटी. ही विल बी इंट्रोड्यूस व्हेन दिस थिंग कम्स. आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग एवरीबडी राइट नाउ. सो सोम जी, दिस इज द सेकेंड टाइम व्हेन वी आर मीटिंग. आफ्टर 3rd मे वी आर मीटिंग इट अगेन. राज जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वेलकम सुरेश जी, मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई. बंबई में कार्यक्रम होने से मैंने निवेदन किया राजीव के, वे सभी की तरफ से वही स्वागत करें. राजीव बंबई में होने के कारण राष्ट्रीय संयोजक अरविंद गुप्ता जी का आप स्वागत करें. मुंबई
क्षमा चाहता हूं, मुंबई के महापौर उपमहापौर मोहन राव जी का भी स्वागत। ये होस्ट उपमहापौर है सुरेंद्र कुलकर्णी जी का स्वागत राज्य करेंगे। विनय ससुरबुद्धे जी आहेत, आमदार तारा सिंह जी, अतुल भातकलकर जी, अश्विन जी आणि जयप्रकाश जी, उन सभी के तरफ से विनय जी का स्वागत। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि मुझे राज्य ने कहा कि मैं समय आगे बढ़ा है, इसीलिए सभी के तरफ से, और भी कोई छूट गया तो उस सबके तरफ से विनय जी को टेकिंग दिस फॉरवर्ड। लेट मी फॉर्मली वेलकम वन एंड ऑल ऑफ यू। सर, वी हैव 19 स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव। इट इज बीन अ प्लेजर फॉर मी दैट आई वॉज अपॉइंटेड एज आईटी सेल कन्वीनियर इन 2008 ऑफ महाराष्ट्र व्हेन नितिन जी वॉज स्टेट प्रेसिडेंट। आईबीएम छोड़ के जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, पहली बार पदभार लिया और पहला पदभार जो मिला वो आईटी सेल का मिला, और तब से आज तक नितिन जी के नेतृत्व में हमने कई सारे उपक्रम किए हैं। सोम जी, राजेंद्र जी, आई लाइक टू इन्फॉर्म यू द फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस बाय अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी वॉज डन ऑन अप्रैल 2008 बाय नितिन जी। वी डिड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन नागपुर, इट वॉज लाइव कवर्ड बाय 5 प्लेसेस and we had very less technology and less money, so we used Yahoo web cameras and did this broadcast. Further on, we did the another chat of Rediff. 8.4 lakhs viewers were there in a single day. It was covered by electronic media across Maharashtra. And where that thing called as leadership, hum jab ye kar rahe the to naturally us samay pe 3G nahi tha, 2G nahi tha, acha hua raja ka bhi kaam nahi tha, matlab us samay hum sirf dial up mein kaam kar rahe the aur links bar bar toot rahi thi। पूना की लिंक टूट गई, फोटोग्राफ वहां पर जा नहीं रहा था। वहां के एक पत्रकार ने पूछा कि लिंक टूटने से विनीत के ऊपर आप क्या जवाबदारी थोपोगे या क्या उसके ऊपर कार्यवाही करोगे। नितिन जी ने तुरंत कहा कि हम पूरे महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस लगाएंगे और 11 शहरों में 2009 में हमने हाई डेफिनेशन अवाया के हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस लगाए। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा कहीं एशिया खंड में कोई भी पार्टी है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस लगाया है। महाराष्ट्र में था, फिर महाराष्ट्र के सारे 11 उपकरण जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन जी तब वहां पे राष्ट्र में गया। ऐसे कई सारे पाथ ब्रेकिंग हमने किए। आई एम फॉर्चुनेट टू बी हियर, आई वेलकम यू ऑल। लेट मी टेल यू, आई कुड गो ऑन स्पीकिंग बट देयर आर डिग्निटरीज एंड वी आर ऑल हियर टू हियर देम आउट। आई वुड रिक्वेस्ट द होस्ट डिप्यूटी मेयर मोहन राव जी टू वेलकम एवरीबडी हियर ऑन बिहाफ ऑफ आईटी सेल एंड बीजेपी। मैं मुंबई की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज का जो ई गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस नेशनल कन्वेंशन है उसमें यहां पूरे भारत देश में आए हुए उपमहापौर, महापौर, मिनिस्टर्स, एमएलएज, आईएएस ऑफिसर और आईटी के सभी तज्ञ जो आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब ने आदेश दिया और तुरंत ऐसा एक अच्छा कन्वेंस का आयोजन यहां मुंबई में किया। इसके लिए मैं आयोजक जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसको धन्यवाद देता हूं और गडकरी साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ऐसा आज मॉडर्न जमाने में एक कन्वेंशन का आयोजन करना ये बहुत बड़ी बात है और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि ये दो दिन में इसमें आप सब पार्टिसिपेट करेंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। धन्यवाद मोहन जी, आपका धन्यवाद। मोहन जी बड़े कम शब्दों में बोलने वाले उपमहापौर है लेकिन बड़े अच्छा काम करते, प्रभावी काम करते हैं। जिस मित्र ने मुझे ये पूरा कार्यक्रम करने में तहे दिल से दिया उसके बिना जो कार्यक्रम नहीं हो सकता था। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजीव पुरोहित, आप सभी का स्वागत करेंगे। वैसे स्वागत तो हो गया है पर चूंकि हमारे यहां पर आप सब लोग यहां पधारे हैं तो मुझे आपका स्वागत करना आवश्यक लगता है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक और विशेष रूप से आईटी के मार्गदर्शक आदरणीय नितिन गडकरी, राष्ट्रीय संयोजक आईटी सेल आदरणीय अरविंद जी गुप्ता, हमारे अतिथि आदरणीय सोम जी मित्तल, राजेंद्र जी पवार और हमारे महाराष्ट्र आईटी के मेरे मित्र विनीत जी गोयनका, जिन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम यहां लेना चाहिए। तुमने कहा, आपने जबान दिए तो जरूर अच्छा कार्यक्रम लेंगे, ऐसे विनीत जी गोयनका, हमारे सुरेंद्र जी कुलकर्णी, सुनील जी कर्जतकर, अतुल भातकलकर जी, सरदार तारा सिंह जी, योगी जी सागर, सभी सम्मानीय अतिथिगण, यहां पर उपस्थित सभी विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण, विभिन्न शहरों के महापौर और इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी प्रतिनिधि भाई और बहनों, मैं आप सबका मुंबई महापुरी में स्वागत करता हूं। और आज हमारा सौभाग्य कि आज माननीय नितिन जी के हाथों आईटी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन होने जा रहा है। सही मायने में आप लोगों ने सर्वप्रथम इस देश में एक्सप्रेस हाईवे का नाम सुना होगा, मुंबई पुणे। हमारा मुंबई में एक सिंग लिंक बना, उद्घाटन तो नितिन जी ने किया था, तो 3 साल में पूरा होने वाला था और कांग्रेस शासन में 9 साल में पूरा हुआ। 400 करोड़ की लागत में होने वाला था, पर कांग्रेस के शासन में 1750 करोड़ में पूरा हुआ। और वही मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, फर्स्ट हाईवे इन इंडिया, मुंबई समय पर पूरा हुआ, कम लागत में पूरा हुआ। माने अटल जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो उनको कोई कैपेबल व्यक्ति लगा जिसके मार्गदर्शन में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछे, एक्सप्रेस हाईवेज का जाल बिछे। तो माननीय नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी स्थापित की, और जो आज पूरे देश में कनेक्टिविटी देख रहे, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एक्सप्रेस हाईवे देख रहे, उनका जो प्लानिंग किया वो नितिन गडकरी ने किया। तो मुझे विनीत जी लगता है, अरविंद जी लगता है कि आज सही मायने में उद्घाटन नितिन जी के हाथों से हो रहा है, उस व्यक्ति के हाथों से हो रहा है जिसके कारण आईटी को एक नया बूस्ट मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आईटी से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, समय की दूरियां कम हो रही है। इन सब बातों से मुंबई में जो आईटी की कन्वेंशन हो रही है, उसमें देश को फायदा होगा, हम सबको फायदा होगा। वैसे मैं भाषण तो अपना 5 पेज का लिख के लाया था, पर मुझे नितिन जी ने कहा कि SMS कर देना या ईमेल कर देना, तो आप जरा ईमेल छोड़ के जाना, तो मेरे 5 पेज आपके ईमेल तक पहुंचा दूंगा, और आपका भी समय बचाऊंगा और मेरा भी समय बचाऊंगा। फिर से आपका स्वागत करता हूं, और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप जरूर मुझे संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजू, मैंने कहा कि आपका भाषण बड़ा अच्छा होता है इसलिए ईमेल करेंगे, छोटा नहीं। आगे बढ़ते हुए, कई लोग हैं जिनका सुनने का मन करता है, लेकिन कार्यक्रम क्योंकि बड़ा कन्वेंशन का है, इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं सूचना व तंत्र विज्ञान के जो प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक है भाई अरविंद गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो इसका प्रस्तावना 2 मिनट में रखें, ताकि प्रस्तावना के बाद में सुमित्तल जी है, फिर राजेंद्र जी हैं, उसके बाद में नितिन जी का वक्तव्य होगा। सो आदरणीय नेशनल प्रेसिडेंट श्री नितिन गडकरी जी, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस ई गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस इवेंट। दो आई शुड नॉट बी थैंकिंग यू बिकॉज यू आर द वन हूज ब्रेन चाइल्ड दिस इवेंट इज, वी आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग दिस इवेंट, एंड बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस।
एंड श्री राजपुरोहित जी, थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी ग्रेशियस होस्ट अलोंग विद माय वेरी गुड फ्रेंड विनीत गोयनका हु इज द स्टेट कन्वीनर. एंड आई ऑल्सो थैंक ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडस्ट्री फॉर बीइंग हियर. सो आई विल टॉक अबाउट द थीम ऑफ द व्हाट वी आर डूइंग ओवर द टू डेज. एंड देर आर फोर सेशंस प्लान्ड आफ्टर दिस इनॉग्रल सेशन एंड व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग देयर. But I will be failing in my job if I don't tell a little bit about what ITCell does and a very small brief on what ITCell has been tasked with. As our Maharashtra dynamic convener Vineet already explained, Vineet ji explained that, you know, we have been at the forefront of using technology, video conferencing for example. Today, taking the inspiration from Maharashtra, when Nitin ji became the national president, this video conference today has been rolled out to almost all states. We had we have 19 state conveners of ITCell who are present here, and on a monthly basis there is a baithak or there is a meeting that is done over video conferencing like any other corporate or academic environment. So it's a party that is trying to use technology for better communication, better coordination amongst ourselves. So we do that, you know, it's a whatever we are, as I said, whatever we are trying to propagate, the use of technology in governance, we are also experimenting with it as much as possible internally in the party, and we try to use it. We probably run one of the very big data warehouses or data management software internally to you know, take care of our online memberships, online donations. I'm not sure how many people are aware, but BJP is one of the first parties in India to accept memberships and donations online. You can donate as much, as little as 100 rupees to whatever amount online using credit card, net banking, but we have enabled that, and that is continuous with our theme of transparency and accountability. So, you know, cleansing politics is getting money from a lot of small people, and you know, we want people to contribute. We've also started perhaps one of the most social media vibrant campaign. The BJP Facebook page is probably 10 times bigger than any other page of any other political party in the country today. And some examples are here today that people who are connected with us over our Facebook page choose to come into events and be part of the mainstream party and the mainstream event. So, for example, I think the current count of the likes on BJP Facebook page is more than 620,000, 6.2 lakhs. So these are the kind of people who are connected with us, and you know, it's a continuous process. So we are engaging with people over time in experimenting, doing new things. ITCell is also involved in so that is the internal modernization part, the outreach part, and also on the governance and policy side. And one of the events that we are organizing today is the governance and policy team of the ITCell, which is, you know, intervening on e-governance, IT policy, telecom policy, all those initiatives. That was a very brief about ITCell. जो ये दो दिन की कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो थीम हमने रखी e-governance for good governance, और इसमें हमने तीन सेशंस में, we have divided into three sessions, three technical sessions or preliminary sessions. First is IT या technology का यूज करके. और आईटी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल टेक्नोलॉजी भी आईटी के अंदर आती है. जो आप एसएमएस भेजते हैं वो भी हम टेक्नोलॉजी के अंदर ही मानते हैं. सो मोबाइल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके सिटीजन्स को सर्विसेज कैसे पहुंचाई जाएं, और करप्शन में या एफिशिएंसी में कैसे बेहतर, करप्शन को कैसे कम किया जाए और एफिशिएंसी को कैसे बेहतर किया जाए, दैट इज सेशन टुडे. टुमारो देयर इज अ सेशन इन ऑन हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस reach to the last mile for rural development, antyodaya oriented development, and also discussion on how IT has helped us create jobs. One of the biggest industries today is the IT industry in job creation. So how IT industry is helping us create jobs. We are going to discuss a lot of new things, one of them being smart cities. How smart cities are being brought up in states like Gujarat, in Jharkhand, and we have representatives from Gujarat also. So the concept of smart cities, smarter cities, how technology can help in smarter cities. I'm sure we will deliberate this, but I want to bring it out over here that BJP has been at the forefront of using technology in governance. If you see the list of states that score the highest marks in e-governance projects, you will always find Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh,
winning the top awards year after year. So I would like to acknowledge that and give a round of applause to all our states who have excelled in the use of technology for governance. The objective, and with that I will summarize, that the what we want to achieve after this session is a creation of a task force, a e-governance task force, which will standardize applications. जैसे एक जो सुझाव आया हमारी तरफ से, जो बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं या डेथ सर्टिफिकेट्स इशू का होते हैं, तो एक सिटी में अगर एक एप्लीकेशन यूज हो रही है तो क्या दूसरी सिटी उसके उसको रीयूज कर सकती है, नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो गवर्नमेंट की काफी बचत हो सकती है और सिटीजन्स को बहुत सारी नई चीजें जल्दी मिल सकती हैं. तो उसके लिए एक नेशनल टास्क फोर्स अलॉन्ग विद द इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर वी हैव इंडस्ट्री लीडर्स, एकेडमिक्स, पॉलिटिकल वर्कर्स एंड आईटी एडवाइजर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स. सो सब मिलकर इसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ओवर द नेक्स्ट टू डेज एंड वी विल डू डिटेल्ड सेशंस विद विद टीम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. वन ऑफ द थिंग्स दैट हैव कम अबाउट, आई थिंक मोर डिटेल्ड डिस्कशंस विल हैपन इन द वेरियस सेशंस. एट दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर थैंक्स फॉर ऑल दीस ऑल द पीपल हु हैव कम वाया सोशल मीडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. Please engage with the party, work with the party, give us ideas, we are here to listen. And I thank our host, both the IT cell of Maharashtra as well as Mumbai IT, Mumbai BJP team to host us here. We have to recognize two people who have crowdsourced have given us ideas, and they have come here today all the way from Pune and from somewhere else in Mumbai. And I would like our national president to give them a small gift. These people have sent us their innovative suggestions on how technology can be used for better efficiency and reduction of corruption. So first person I would like to recognize is Sudhir Shivhare, who works at Tata Consultancy Services. Sudhir ji, Nitin ji, can you, Sudhir has come from CS, he has given an idea on the internet which was selected by to be presented at the session today. Book. Ek second. We also take inspiration from our dynamic CM of Gujarat, who has started this whole scheme of giving books as a gift. So we have taken inspiration from Shri Narendra Modi ji, and we are giving books out to all our guests. The second person is Ramesh Lamba, who works with TCL in Mumbai. Nitin ji, he has also given a very good idea, and we want to recognize him today. Thank you, Ramesh. With this, thank you very much, and please enjoy the conference. Any comments, feedbacks, please give it to us or follow us on social media. Thank you very much. धन्यवाद अरविंद जी, बड़ा ही जानकारी पूर्ण सेशन था. कुछ महिलाएं पीछे है, कुछ लोग मुझे दिख नहीं रहे. अगर कोई नगर सेवक है, महापौर अगर पीछे है तो आगे आइए. मनीषा ताई आप आगे आ जाइए, दिख नहीं पा रहा. केलकर ताई भी दिख नहीं रही है. अगर आप हैं मंच अंदर सभागार पे तो आप ये आ जाइए. नितिन जी, ये दो दिन को चुनने में बड़ा प्रयास समय लगा, क्योंकि कई सारी आइडियाज आई थी, उसमें सोचना पड़ता, डिलीबरेशन करना पड़ा. बहुत ही बढ़िया उन्होंने किया था. और कई सारे लोग फेसबुक से और ट्विटर से भी आए हैं, जिनका अपना परिचय वैसे नहीं था. जो लोग फेसबुक से आए हैं, केवल फेसबुक, जिनके साथ में हमारा परिचय, ऐसे कितने लोग हैं यहां पे सभागार में, खड़े होना पड़ेगा क्योंकि दिखेगा नहीं. आपटे जी कोटे जी, मतलब एक बड़ी अच्छी बात है कि मेरा परिचय मेरे ही बिल्डिंग में रहने वाले किसी व्यक्ति से भी हुआ. आप तो जी, कई सारे लोग आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, नासिक से आए हैं, नागपुर से, पलासपुर आए हैं, यवतमाल से भी है. मैं कई लोगों का परिचय करते रहूंगा, आगे बढ़ते रहेंगे. आज के जो गेस्ट ऑफ ये है, की नोट एड्रेस है, एन अ मैन विद फैंटास्टिक पर्सनैलिटी. सो this is my pleasure to welcome you once again after that event. I have the honor to present in front of you Mr. Shom Mittal, president of NASHCOM, which represents
IT in entire India, it's 100 billion plus IT and BPO association. He's been a path-breaking guy, very innovative. We have worked together on a project a couple of months back and I have a sweet memories of that. And this is one of that what Nitinji promised. Nitinji, us samay aapne jo promise kiya usi mein se ek ye kadi hai ki humne hamare karyakartaon ko bhi usme bahaya hai. मैं अगर उनका परिचय करने जाऊं तो शायद आधा पौना घंटा लगेगा. उनका परिचय पूरा नैशकॉम के वेबसाइट पे है. मैं समय उनके लिए रखता हूं. आप सभी की तरफ से सोम जी का स्वागत है. आई प्रेजेंट सोम मित्तल. तालियां बड़ी जो छोटी है ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी में ताली नहीं बजी है. यू हैव टू गिव बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद आपका गडकरी जी. ये मेरी आपके साथ तीसरी मुलाकात है आईटी के संबंध में. ये पहले दिल्ली में हुई, फिर मुंबई में हुई, और उस जो मीटिंग हम लोगों की मुंबई में हुई थी उसमें यह हुआ कि हम लोग आपस में बातें करते रहते हैं लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं होगा. और आज ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि 19 स्टेट से महापौर मंत्री महोदय वगैरह आए हैं. तो ये ग्राउंड लेवल पे जो बात होने लगी है आईटी की वो एक बहुत ही प्रशंसीय चीज है. लेकिन जब हम आए हमने आते देखा टेक्नोलॉजी में दो चीजें हुई. आज गडकरी जी ने जब लैंप चलाया तो एक बटन दबाया और कितना समय बचा और अभी भी लाइट चल रही है वहां पे. और दूसरा अरविंद जी आए यहाँ पे तो आईपैड से पढ़ रहे थे और आपने पहले वो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करी. तो ये हम लोग क्यों है यहाँ पे, इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी इज सच अ बिग चेंजर. दो चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आज बीजेपी ने लाई सामने, एक कहा टैलेंट और एक है टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी तो है लेकिन टैलेंट के साथ मिलकर एक जो एक पावर बन जाती है हम लोगों को कि एक चेंज ला पाए, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए, वो एक बहुत बड़ी एक चीज है. तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं. मैं आपको बताऊं कि 1992 में हमारी जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ 100 मिलियन डॉलर की थी. 20 साल के अंदर ये 100 बिलियन डॉलर हो गई है. तो इतना एक प्रगति हमारे देश में हुई. और आगे जो होने वाला है उसका मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं. और मुझे ये भी याद है कि 2003 की शायद बात है, उन दिनों पहले प्रमोद महाजन जी हमारे आईटी मिनिस्टर थे, उसके बाद अरुण शौरी जी बने. और एक मीटिंग के अंदर जब अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में थे और मुझे याद है कि हमारे साथ वो चीन में भी गए थे और हमने चीन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी थी अटल जी के साथ. तो पहले एक नारा सा होता था रोटी कपड़ा मकान, उसमें एक चीज और ऐड कर दी गई, कंप्यूटर एंड बैंडविड्थ. कि ये तो है कि रोटी कपड़ा मकान होगा लेकिन कंप्यूटर और बैंडविड्थ और हो जाए तो लोगों के साथ पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन और हो जाता है. वो एक बहुत ही नया एक नारा दिया गया. और उसी समय जैसे आपने बताया कि आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहां शुरू कर दी गई. इस समय आने वाले टाइम में 3-4 साल में 2.5 लाख विलेजेस ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो जाएंगे. अब ये सोचे कि 2.5 लाख विलेजेस ब्रॉडबैंड पे कनेक्ट होंगे, इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी वहां पहुंच गई. साथ साथ जो इस समय मोबाइल का है, पहले तो 2G के साथ था, अब 3G और 4G स्मार्टफोन के दाम गिर रहे हैं. तो एक जो टूल था टेक्नोलॉजी का वो हर घर घर में पहुंच रहा है. और इसके वजह से एस्पिरेशंस बदल रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारी पहुंच है वो पहले बदल रही है. आपने बात की सड़कों की और सड़कों के साथ अब नेक्स्ट जो है जो हाईवे था उसके साथ बैंडविड्थ का सुपर हाईवे जो बन रहा है उससे एक और हम लोगों को एक टूल मिल गया. हम लोगों ने आज से करीब 2 साल पहले एक रिसर्च रिपोर्ट की थी कि 2020 में क्या रहेगा. तो जो हमने बोला कि 100 बिलियन डॉलर अभी हुआ है इस साल, तो ये 2020 में, हमारा यहाँ 2025 की बात हो रही है लेकिन 2020 में ये 300 बिलियन डॉलर हो जाएगा. और इसके अंदर जो ये 3 गुने वृद्धि होगी, इट विल बिकम अ वेरी मेजर चेंज. इट विल बिकम इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग सोशल चेंज हैपन. और हम लोगों का अपना प्रिडिक्शन है कि डिजिटल लिटरेसी, कि आदमी जो विलेज में लिटरेट हो गया कि कंप्यूटर को कैसे उसकी पावर यूज करे, वो कई बार ऐसा होगा कि लिटरेसी से पहले हो जाएगा, कि आदमी को पढ़ना लिखना
शायद बाद में आए, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करना पहले हो जाएगा। और ये सोचिए कि अगर ये हो गया तो हम लोगों के पास कितना पावरफुल एक टूल है। तो हम लोग आईटी इंडस्ट्री बोलते हैं, इसके अंदर हम लोगों के पास चार चीजें होती हैं। एक तो आईटी सर्विसेज जो हमने बोला, फिर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, उसके साथ इस समय इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडिया एक हब बनता जा रहा है आरएनडी सर्विसेज के लिए, और चौथा हमारी बहुत छोटी कंपनियां जो नई आ रही हैं, नए उम्र के लोग आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो एक एक तरह का आप समझिए कि एक मूवमेंट चल रहा है जिसकी वजह से कि इतने चेंज आ रहा है। हम लोग वी आर ऑल कलेक्टेड हियर फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड देयर इज अमेजिंग वर्क हैपनिंग इन मेनी ऑफ द स्टेट्स। एंड जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल्स, देयर आर मेनी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन रोल्ड आउट व्हिच हैव बिकम एग्जेम्पलरी। यू नो वी हैव, आई एम ओनली गिविंग सम एग्जांपल्स, आई थिंक देयर इज मोर वर्क हैपनिंग। ई ग्राम इन गुजरात, कर्नाटका वन नेमाडी इन कर्नाटका, एमपी ऑनलाइन, ई प्रोक्योरमेंट इन कर्नाटका, वर्क हैपनिंग इन छत्तीसगढ़ इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ जीआईएस इन झारखंड। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज रोल्ड आउट व्हाट इज कॉल्ड स्वैन, व्हिच इज स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, एंड ऑल्सो द स्टेट डेटा सेंटर्स। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन पुट इन प्लेस नाउ, एंड आई थिंक दैट इज अ बिग चेंज that now we have everything that's available. What we need to do is to make sure that this infrastructure is used. As was also mentioned earlier, we have crossed many barriers today, and already technology is being used for good governance. And what does good governance mean? It means transformation, it means transparency, it means speed. But let me just give you some areas which I think we can use, and that was the purpose, Shri Gadkari ji, if you remember, when we discussed in our meeting in Mumbai earlier in the year, how can we scale this? Har jagah koi na koi pilot chal raha hai, har jagah ek successful pilot hua hai, lekin usko itne bade desh mein scale kaise kiya jaye? To jo do teen char cheeze main usme bolun, ek to jo best practice sharing hai, I'm very excited that these 2 days we have got exact examples coming in, best practices are getting shared, and replication of successful solutions across all 19 states are here. जो हमने अच्छा काम कर्नाटका में किया या मध्य प्रदेश में किया, गुजरात में किया, छत्तीसगढ़ में किया, झारखंड में किया, उसको हम बाकी स्टेट्स में कैसे ले जाएं? तो ये बहुत जरूरी है कि एक बार इन्वेंट करो और उसको बार बार यूज करो, हर जगह दोबारा उसको हम लोग री इन्वेंट ना करें। एक नई टेक्नोलॉजी निकली है क्लाउड बोल के, क्लाउड टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर, वहां एक जगह पर काम करेंगे और हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कॉस्ट कम होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी आता है, इंप्लीमेंटेशन बहुत शीघ्र हो जाएगा। सो वी मस्ट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक क्लाउड, एंड आई थिंक इट्स ऑलरेडी हैपनिंग इन मेनी प्लेसेस। सेकेंड पॉइंट आई विल मेक इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, बिकॉज कंप्यूटराइजेशन मीन्स जो हम काम अभी करते हैं मैनुअली उसको हमने ऑटोमेट कर दिया। अब कई जगह होता है कि हमने हाथ से फॉर्म भरा और उसको दे दिया, उन्होंने उसको एंटर करके हमको वापस कर दिया प्रिंट करके, तो उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो अनलेस वी डू वॉट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस चेंज करना है, जहां 10 प्रोसेसेस थे उसको 5 करें ताकि वो जल्दी से और शीघ्र तरह से हो सके। एक एग्जाम्पल हमने दिया, हमारे एक कंपनी ने हॉस्पिटल में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करी, और जब उन्होंने उस जरा डिटेल में गए, उन्होंने बोला था कि इसके अंदर आईटी सिस्टम बना दो, उन्होंने कहा आईटी सिस्टम से पहले जरा देखा जाए कि हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो पता लगा कि जो सबसे स्केर्स कमोडिटी थी वो था सर्जन, सर्जन का टाइम, क्योंकि सर्जन जो है वो कितने ऑपरेशन दिन में कर सकता है, उससे हमारी हेल्थ सर्विसेज जो ऑफर करेंगे। तो उन्होंने पूरा रीलेआउट किया और पता लगा कि सर्जन जो है करीब 20-25% जो अपना समय था वो अपने कमरे से ऑपरेशन थिएटर जाने के लिए व्यर्थ होता था, थकते भी थे, तो उसका पूरा रीलेआउट चेंज हुआ, तो उसके वजह से 20% टाइम। तो इस तरह के बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां की री इंजीनियरिंग करके जब आईटी का प्रयोग करेंगे तब मैक्सिमम एडवांटेज आएगा। और मुझे उम्मीद है कि जब पवार जी अपने एग्जांपल देंगे तो उसमें ऐसे कई एग्जांपल हैं जहां की टेक्नोलॉजी ने चेंज किया लेकिन हमने अपने काम करने का तरीका भी चेंज किया साथ में। तीसरा, गवर्नमेंट में जहां की ई गवर्नेंस यूज होगा वहां पे कैपेसिटी कहां है? हमें आईटी के लोग सिर्फ जो सर्व करते हैं वो ही नहीं चाहिए, जो रिसीव करते हैं वहां पर भी आईटी के लोग चाहिए। तो कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए, और आई थिंक इस ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वी मस्ट स्पेंड टाइम
I hope in these 2 days we will spend time that within the states, people who are going to be using technology, how are we building capacity there, right? Because we don't have a service which creates IT. Recently, expert committee had been formed, and it has been decided that we will put a structure where there is a program management unit to adopt technology. There is a CIO in every state who understands technology and is able to adopt. ये एक बहुत जरूरी चीज है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगा वहां पे. तीसरा जो असली ग्राउंड लेवल पे काम है वो तो पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर है. अगर हम लोगों ने उनको एम्पावर नहीं किया तो आई थिंक देयर शुड बी अ चेंज दैट नॉट एवरीथिंग शुड बी एट अ स्टेट लेवल और एट द हेडक्वार्टर लेवल. इट मस्ट गो डाउन टू द स्मॉल टाउन लेवल. कितने यहां पर महापौर हैं यहां पे, तो अगर हम लोगों ने वो जो पावर एम्पावरमेंट है वहां तक नहीं दी आईटी को, तब तक इसका फैलना, इसका वाइड एडॉप्शन नहीं हो पाएगा. तीसरी चीज अगर देखी जाए तो आईटी जो है इंडस्ट्री, हम लोग सारे देश विदेश में काम करते हैं इस समय 70 देशों में, और वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं और देश हैं उनके लिए हम लोग आईटी का काम कर रहे हैं. तो एक बहुत ज्यादा हम लोगों की इंडस्ट्री में है जिसके ऊपर हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोगों ने इस्तेमाल करें. तो एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, जहां कि जितना भी हम लोगों का एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में उसको किस तरह से संभाला जाए. तो बहुत सारा काम होता है हमारे अपने अंदर गवर्नमेंट में, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने आप ही करते हैं कैप्टिव तरीके से, लेकिन वी हैव टू फाइंड वेज ऑफ एनहांसिंग दिस public private partnership to make this happen. So I'm quite sure that the discussions in these 2 days will talk about these areas and make it happen. I would just say we have done many experiments. Technology is something which is very intuitive. Hum logon ne mobile phone hame kisi ko sikhana nahi pada ki kaise istemal karna hai. Humne pehle phone kiya, fir save karna shuru kiya, fir SMS shuru kar diya. Woh manual padh ke nahi sikha. और इसको बोलेंगे कि इंट्यूटिव है, तो टेक्नोलॉजी बहुत इंट्यूटिव है. और पवार साहब की कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप बताएंगे उसके बारे में बाद में. होल इन द वॉल, एक कंप्यूटर रखा था और वो एक दीवार के अंदर था और छोड़ दिया उसको, तो धीरे धीरे लोग आए, बच्चे आए, उसके साथ खेलना शुरू किया और पता लगा कि 2-3 दिन, हफ्ते 10 दिन के बाद सब लोग सीख गए, किसी ने सिखाया नहीं उनको. तो टेक्नोलॉजी जो है एक इतना इंट्यूटिव टूल है कि अगर हम लोग वहां उसको पहुंचा दें तो उसका यूज शुरू होगा. हम लोगों ने नैसकॉम में 200 गांव में एक एनजीओ के साथ काम करके, जो हर शहर में वहां 4-5 कंप्यूटर लगाए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी, और हमने देखा कि जो गांव का आदमी था उसको टेक्नोलॉजी आती नहीं थी यूज करनी, लेकिन उसको पता था कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, तो वो मांग सकता था. तो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बिग चेंज एजेंट, एंड वी आर सो इम्प्रेस्ड दैट टुडे यू हैव 19 states represented here, where we have to reach the masses. हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि 1.2 billion people हैं, उनका क्या कर सकते हैं. तो सर ये तो पक्की बात है कि बाकी भी बहुत चीजें होंगी, लेकिन एक टेक्नोलॉजी एक ऐसा साधन है जो कि इस चीज को एक्सपीडाइट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मैं तो ये भी अर्ज करूंगा सर कि एक हम लोग एक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, और आप तो टेक्नोलॉजी को इतना आगे ले गए हैं कि उसका नाम हम बोल रहे हैं फॉलो दी फाइबर. जहां जहां फाइबर जाएगा वहां वहां हम लोग तैयार हो जाएं कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. अभी जैसे कि उम्मीद है कि पहले 5 शहर होंगे, उसके बाद गांव होंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके 4-3 साल में 2.5 लाख विलेजेस हो जाएंगे. तो जहां कनेक्टिविटी हो जाए वहां उसके लिए हम लोग तैयार हों कि यहां पर पहुंच रहा है फाइबर, उसका प्लान है, उसके लिए पैसा भी उपलब्ध है, तो जहां फाइबर पहुंचेगा वहां हम लोग पहले पहुंच जाएं. मैं सर थोड़ा टॉपिक चेंज करने पे, एक तो हुआ कि हम टेक्नोलॉजी के हिंदुस्तान में कैसे करेंगे, दूसरा है जो हम लोग इस समय एक्सपोर्ट करते हैं अपना सॉफ्टवेयर, और पिछले 15-20 साल में जो काम हुआ है उसकी वजह से सारे देश में बैंगलोर लोग रिकग्नाइज करते हैं. आज हमारा करीब 30-35% एक्सपोर्ट सिर्फ एक जगह कर्नाटका से, बैंगलोर से होता है, और यह फैल रहा है. अभी हम लोगों के सिर्फ 6 या 7 शहर हैं जो कि 90% एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसकी जो
अपॉर्चुनिटी है वो बाकी जगह भी बहुत ज्यादा है। अभी जैसे हमें पता लगा नागपुर में काम होना शुरू हो गया है, लोग वहां पर सेटअप कर रहे हैं सेंटर्स, तो इस तरह के और टीयर टू टीयर थ्री सिटीज आएंगे। तो डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है कि कहां से हम टैलेंट लाएं, कहां पर उसको डिलीवर कर पाए। लेकिन हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि जितने यहां पर महापौर आए हुए हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो विदेशों में काम हो रहा है और ये 24 घंटे होता है जिसको हम बोलते हैं 24/7, 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में, कोई दिन बंद नहीं है, क्योंकि ये एक इस इंडस्ट्री की खास है। तो जो हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि सारे टाइम यहाँ पर काम चलता रहे। तो बहुत सारी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज थी जिसकी वजह से कि आज हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर पहुंची है। स्टेट्स वर वेरी हेल्पफुल इन टेकिंग अस देयर। आई वुड जस्ट से दैट व्हाइल वी हैव बिकम अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री, वी कंटिन्यू टू नीड दैट सपोर्ट इन दो सिटीज। वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी डेवलप्ड, वी नीड योर सपोर्ट टू इंश्योर दैट एट नो टाइम आवर इंडस्ट्री इज क्लोज्ड। कई जगह बंद हो जाते हैं या स्ट्राइक हो जाती हैं जिसकी वजह से कि हमारे एम्प्लॉयज ऑफिस नहीं आ पाते हैं, या कई जगह पर लेबर लॉज ऐसे हो गए हैं जहाँ की काम करना और मुश्किल हो गया है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वहाँ बल्कि उल्टा है, हमें काम करना पड़ता है कैसे हम अपने लोगों को रखें ना कि निकालें। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट लेबर लॉज इन द एरियाज, पर्टिकुलरली लाइक आईटी वेयर वी आर वेयर टाइम्स इम्पोजिंग कंडीशंस विच आर वेरी डिफिकल्ट टू डू। सो ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्री और नैसकॉम की तरफ से, पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, मैं आप लोगों को एक तो बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। ये दो दिन का जो बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है उसमें डिस्कशंस होंगे, डिबेट होंगे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री की तरफ से पूरा सपोर्ट होगा। हम लोग आपके साथ साथ चलेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो प्लान्स बनाए गए हैं उनको कार्यान्वित किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और हर आम आदमी के लिए जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है वो मिले। तो बधाई फिर से और बहुत बहुत मुबारक कि आपने ये इसका संयोजन किया। थैंक यू। सोम जी धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि बड़े व्यक्ति को समय कम पड़ जाता है और मुझे पता है कि सोम के पास बहुत सारी बातें थी। धन्यवाद आपका। रवि जी, भूसारी जी और रघुनाथ जी पीछे आते हुए दिखे, आप आगे आ जाए। आगे बढ़ते हैं। कई सारे लोग मंच में, कई लोगों को मंच पर बुलाने की इच्छा कर रही है लेकिन मंच का जो ये है इसमें एमएलए हो गए, सागर जी है, तारा संगर जी है। सो आई हैव द प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस राजेंद्र पवार जी। सर, इट इज माय प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस माय फर्स्ट पर्सन होम आई कैन कॉल द पद्म भूषण अवार्डी विनर। ही हैज बीन एडवाइजर टू मेनी ऑफ द गवर्नमेंट्स। सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू एडवाइज द चाइना गवर्नमेंट ऑन समथिंग ऑन साउथ अफ्रीका, भूटान। इफ आई गो ऑन द लिस्ट इज बिग, सो वेल आई हैव टू डू डिग आउट द एटलास एंड देन स्पीक अबाउट द कंट्रीज विच आर देयर। He has been on the governor body of IITs and IIMs, ISBs. The list is big. The entire introduction is huge one, which I will skip, sir. It can be seen on the net. I have the pleasure to invite you, Rajendra Pawar ji, Chairman NIIT Corporation. Gadkari ji. First of all, I would like to express my gratitude to get this opportunity to speak to all of you. Being involved in education, I cannot help but use every opportunity to educate people a little bit and to share some ideas. But before we talk of IT, I just want to make one very important observation, which is that this century, the 21st century, will be remembered and will become known as the century of the mind. We have had three centuries of the machine in the industrial era, and
towards the end of the last century, we started realizing that we are moving into the knowledge society or the information society, which I would like to therefore say that this is the century of the mind, the 21st century. And information is only a product of the mind. So from being slaves to machines for three centuries and being at the receiving end of the industrial era, we have come now into the century of the mind and therefore the century of the thought. So till the last century, we were worried about our population being a liability because the focus was on the machine. But we have quickly seen how the priority has gone back to recognizing that each brain, each mind is an asset, not a liability. And our IT industry is beginning to demonstrate this power of the mind in ample measure. When we talk of the power of the mind and the power of the thought, then we have to realize that this is one of the few nations, the ancient nations, which has a tremendous amount of thought which is centuries old or millennia old. And the power of that thought combined with the bright minds of today make it a brilliant combination. So therefore, when I want to express the reality that this is India's century because this is the century of the mind, is because we have the largest number of minds and we have the richest reservoir in our heritage on the power of the mind and the power of thought. So this century will see India's ascendance for this very simple reason. We have a legacy of the past, very rich knowledge of the past, a very rich culture, and a very deep understanding of the human mind. In fact, no other country in the world has as much an understanding of the human mind as India has. So combining that wisdom with the sharp young minds of today makes it inevitable that this is India's century. And so it is in this century that we are talking about IT. I want to mention that in 1998, when Vajpayee ji became Prime Minister, one of the first things he did was to form a small committee. And he said that how do we make India into an IT superpower? So if you, some of you remember that 2008 was being said as a year by which we should be superpower. That is because he in 1998 formed a small committee. I was fortunate to be one of the members. And he told us in 10 years we have to make India into an IT superpower. So from that period of 1998 started a big process of change in how India was looking at IT. So we built a plan. I remember we built a plan of $100 billion, and the only point was that we said $50 billion will be exports, and we had a good plan on how we would do $50 billion, but we didn't have a good plan of how we would do the size in India. But we said we'll still say $50 billion for India, though we were not sure whether we would reach that level. So India did indeed reach $100 billion a couple of years late. But in that $100 billion, we have $70 billion which is exports and $30 billion which is domestic. And I think this is what we need to correct. And when we talk of e-governance, the amount of work to be done in e-governance is hundreds of billions of dollars. It is not 20 or 30 or 40 billion. So when we look at e-governance, which is use of technology for the benefit of the 1.2 billion people, of our citizens, that is where e-governance makes a difference, and that is the role of IT for India. So when we are looking at the purpose of this event, the 2 days that we are spending to see how do we take IT for the benefit of the Indian citizen, I think it's a very important event from that point of view. And I thought that I will take this opportunity first to explain, really speaking, what we are trying to achieve in IT. So I want to give an example or an analogy, or I want to use an example that let us say we wanted to
distribute power to the common citizen, water to the common citizen. I'm using the example of water instead of information. We have to give information to people. All of you here are responsible to make sure that this happens. So let me give the example that if you have to distribute water, what will you need? And then I will give the example of what we have to use for information, because each of you has to understand this and make it happen. If you have to build a water system, you need tanks where you store the water. You need pipes from which the water flows. And then you need taps from where the citizen can get water. When we are putting the e-governance in place, we are talking of data centers. They are the tanks. It is government's responsibility first to fill the tank, because if you have a water system where you have a tank, pipe and tap, but you don't have the water. You have a water system, but you don't have the water. Or you can lay the pipes and taps and have no tanks. Again, nothing will reach the citizen. Or you can have the tank, the data center. You can put the data com, the fiber, but you don't have the tap, which is the computer or the mobile phone or the community center. So in building e-governance, we need to put these three elements: the tanks, which is the data centers, into which all the state information has to be put, the birth information, the land information, the tax information, the geographical information, that has to be in the central tanks. Then there have to be networks, the state wide area networks, the fiber optic, jo abhi gram panchayat ki hum baat kar rahe hain, you take the fiber to the panchayat, those are the pipes which have to be laid, and ultimately at the end of the pipe, in the hand of the citizen, in the panchayat, in the home, in the school, in the university, you have to have the computers, which I will call as a tap in the water distribution system. Now, in the last almost 15 years, government in each and every state now is trying to put the tanks, which is the data centers, and putting the data inside it, is putting networks and is putting the taps. Now, like in a water system, when a new water system is made for a new small town, sometimes the tanks get ready but the pipes are not laid. Or the tanks and the pipes are there but the taps are not there. We have that situation even today. So we have parts of our country where the network has been laid but the data center is not ready. That, so what will be the value of a tap? So I think the first responsibility all of us have as leaders is in our localities, where are the taps, where are the community centers where people can go and find the information. Secondly, how do we put the data into the computers? That's the responsibility of each and every one of us. So the data center or the tank, as we would call it, that is where all the information has to be placed. Information about citizens, information about land, information about permissions, information of every sort. And that is the first thing and the first discipline that is to be done. And so therefore we have to start measuring how much information have we stored in the tanks which are there. Do we have enough information or not? So land record information, for example, is incomplete. It is still not put onto computers. So if you want a villager to know the status of his land, he may have a computer in the panchayat, the computer may be connected, but if the data is not in the tank, the citizen will never get a benefit. So the first responsibility we have as leaders is to ensure that the data centers are supplied all the data, all the records, all the information, and we find that there is a great resistance to put all the data in the computers. I think your first responsibility, therefore, is to make sure that all the data pertaining to your citizens in your area is indeed being put in the data center, so that the tank is first filled with water, and this case with information. And just like we measure per capita income, that the per capita income is so many thousand rupees per person per year, with water you will say how many liters of water per capita can be given. In the same way, in our data centers, how much information per capita is stored is a very important measurement. And whichever
region can have more data per capita, more capacity per capita, it means that we have put more water in the tank. Once we have put this data, which is your primary first responsibility, then we have to do the connections. So we just heard Mr. Mittal say that fiber optic connection to the panchayat. The good thing also is that now we have the mobile phone. So even after the fiber optic reaches, the good thing is today the citizen in India has a mobile phone, which is the next also a pipe from the data center to the citizen. So connectivity can also be measured in a per capita basis. How much connectivity per citizen? So that should be another measurement that you should try and do in your area to say, is your connectivity per capita up to the standard or not? And you should demand this. This is what is expected to be given by the network. So today you ask for a road to the village. This is the road for information. The connectivity is the road for information. You have to demand that, and you have to make sure that in your constituency, the connectivity per capita is reaching a certain minimum level. And in this connection, the whole discussion of the cost of the network, the cost per capita of the network should be brought down lower and lower. Just like a road is free for a citizen in a village, we don't charge the citizen for walking on his road. How do we achieve a situation that connectivity is also for the citizen as close to zero cost as possible, so that otherwise every citizen to use information will be paying an information toll? And then finally, the taps in the hands of the citizen. Fortunately, now the mobile phone is becoming a computer. So everybody in this room, I'm sure, has a computer in their pocket. That is the tap through which you can get this information once the data centers are there and the connectivity is there. But it is not possible for every Indian citizen, when you go into rural India, to own a phone or a computer. And therefore, in the panchayat, in the school, and in whatever offices there are close to a villager, we have to think of putting kiosk and through a common service center, which is already beginning to happen, so that a villager can come and, with the help of a sevak in the panchayat, ask for the information that he wants, whether it is pertaining to health, it is pertaining to land, it is pertaining to fertilizer, it is pertaining to the visit of other government officials coming to the area, or whatever the rights of a citizen are. So these taps ultimately should be, for information, should be in the panchayats, and therefore in that equivalent of that in your office, wherever your citizen can come, we have to make this information available. Now, what are the policies which we are looking at? We are looking today at the identity of the individual, the Aadhaar, which is the digital identity, so that if you have to reach the citizen and identify the citizen, it's available. So my big request to all of you is also to demand and ensure that every citizen in your area, and that every voter, every child, everyone has an identity. Because with this identity and with the tap, they can get access to the information, they can get access to everything which they require. So now, once we have the tank, the pipe and the tap, then the water has to flow. All this infrastructure is being put not for the sake of the infrastructure. The infrastructure in the case of the water is because you want water at the end. So the water here is the information. And what are the uses of that information? So we have already heard that there are a few hundred services which a citizen requires that come out of the tap. So I think it's already been mentioned, and we'll be sharing and you'll be hearing that in many states, and the states which are represented here, many states have already started doing many services for the Aam Aadmi. That is like the water which is coming out of the tap, except that if connectivity is not there, he can't get it, or if there is no kiosk in the village, he can't get it. So those services which have been identified, whether it's birth certificate or land certificate or their entitlements of various sorts, there are a few hundred services or the few hundred forms of water which have been identified.
I think it is very important for everyone in this room, and I know you are aware, to educate every citizen on what are those services which are their rights and by what time will they be available in digital form. That is the essence of e-governance. So understanding those services and what they are and realizing that it's the right of every citizen to get that service and to get that service in a defined period of time. If it takes a few months to get a piece of paper in the past, today it can come in a few minutes. So defining that time, that is the expectation that you should have from the e-governance system. It's not enough to say that birth certificate is available. It should be that from the time I go and ask for it, in how many minutes or how many hours I can get it. Much like we have water timings. Water comes only for 2 minutes, or sometimes it comes or doesn't come. So I'm giving this example because technology we don't need to understand too much. But what it should do for us is the responsibility for every leader to know and to demand. So we will talk, I hope we will not talk too much of technical terms because that's not important. But what is important is what is the equivalent of the tank and how do we fill it with information and what is your role in doing it? What is the equivalent of the pipe and connectivity and broadband and fiber and mobility? What is the flow? How will the data flow? And finally, ultimately, how do we reach that information in the hands of each citizen, whether it's mobile device, whether it's a kiosk? There's a lot of technology, but how do we make it possible for a citizen to walk up to a community center or use a mobile if they have a even a shared mobile in the shop in the village, and what are the rights they have to seek information? And I was mentioning to Gadkari ji that in these 15 years, a lot has been done to put the tanks, the pipes and the taps. Not enough taps. I believe that it is time again for all leaders to educate themselves on what is the infrastructure we have created. So I would really urge that everyone has to go back to class, and as a teacher, it is the natural solution to all problems. It's time to go back and understand what is the infrastructure that your IT community, which has done a remarkable job, what is the infrastructure they have created, and not how it works. Just like when you drive a car, you don't understand you don't have to know the internal combustion engine. You have to know where is the brake, where is the gear, where is the accelerator. So I think it's important, and I would urge all of you, agree to give time, whether it takes a day or a week, that can be worked out by the BJP IT cell, but everyone has to commit that you have to go back into class and understand how do you serve your citizen, one citizen at a time, using e-governance. And the example of water I'm simply giving because all of us know how to use water, and there's only one type of water, but they can be good water, they can be contaminated water, they can be water which comes once in a week when you want it every week. So information is the new water. We all know that if you don't have water, only then you respect water. Information is similar. You have wrong information. You don't have information, then you're a totalitarian state. Recently, you know, in China, the leader was missing for 7 or 10 days. There was no information. Fortunately, as an open country, we get information. But your responsibility to make sure the right information goes into the tank and that the tank is connected and that the citizen has a right to get this information in so many minutes and hours, that education is the need of the hour. So I would just make this request, Gadkari ji, to you, to make it possible for every one of your workers to be educated enough to know what is the right of the citizen to get information and what should they do to make it possible. So with those few words, I want to wish all of you the very best for this conference, and I've enjoyed this interaction, and I'm available for whatever help I can give. Thank you. थैंक यू राजेंद्र जी सुधीर जी तुम होता इट इज अ फर्स्ट टाइम ये पहली बार हो रहा है कि राजनीतिक पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ में आ रहे हैं इंडस्ट्री के लोग भी हैं और कुछ एसोसिएशन के लोग भी हैं सुधीर भाव 19 राज्यों से महापौर उपमहापौर आमदार करीब 22 कंपनियों के लोग हैं मंत्री महोदय है कर्नाटका से मैं आपका सबका परिचय महाराष्ट्र के बहुत ही युवा जो हमारे अध्यक्ष हैं सुधीर बाबू मुंगटीवार से कराऊंगा सुधीर बाबू का भाषण पहले था उनकी एक बैठक चल रही थी
हम सब नितिन जी को सुनने के लिए बड़े उत्साहित है, लेकिन सुधीर जी आपके विचार के बिना मेरे ख्याल से आज का कार्यक्रम हाँ ठीक। सुधीर जी फिर बाद में धन्यवाद के लिए, मेरे ख्याल से सुधीर जी आप धन्यवाद। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट नितिन जी टू कम ओवर। नितिन जी का परिचय करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत माता की वंदे। आज के समारोह में उपस्थित नास्कॉम के अध्यक्ष सोम मित्तल जी, एनआईटी के चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र पवार जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, माननीय मुंबई के अध्यक्ष राज पुरोहित जी, हमारे कर्नाटक के बहुत प्रभावी मंत्री माननीय सुरेश कुमार जी, माननीय सुधींदु कुलकर्णी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, उपस्थित सभी मंत्री महोदय, विधायक, मेयर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर सेवक और आईटी से संबंधित सभी सम्माननीय प्रतिनिधि भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे आईटी सेल को, गुप्ता जी को और विनीत गोयनका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो नॉलेज, ये सबसे बड़ी पावर है और नॉलेज को मिलाना और नॉलेज का उपयोग हमारे जीवन को सुसह्य बनाने के लिए करना, ये राजनीतिक पार्टी करके हमारा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है उसके जो प्रमुख विचार के जो बिंदु है उसमें से पहला विचार है कि हम राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। ये राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति हो, उन्नति हो, विकास हो और ये राष्ट्र भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्त हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो और दुनिया की नंबर एक की ताकत हमारा देश बने, इसी बात को लेकर हम राजनीति में काम कर रहे हैं। आज राजनीति में ऐसे बहुत लोग हैं कि जो देश, समाज और गरीब व्यक्ति से खुद के बारे में ज्यादा विचार करते हैं, पर जो खुद के बारे में ज्यादा विचार करते उनको ज्यादा दिन राजनीति में वो यशस्वी नहीं होते। एक कहा गया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश की गरीबी हमको दूर करनी है, भूखमरी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, देश का विकास करना है, तो कैसे होगा? और इसलिए जब पहली बात हमने कमिटमेंट तो की कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, पर यह कैसे करना, यह भाषणों से नहीं होगा, यह कृति से होगा। और वो कृति के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने हमारे यहां गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये दूसरी बात महत्वपूर्ण रूप से दूसरे बिंदु के रूप में हमारे सामने रखी है। सही आर्थिक नीतियां और सही आर्थिक नीतियों से सुशासन और विकास ये हो सकता है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया है और इसलिए मैं आपको इस बात को रिपीट करने के लिए समय नहीं लूंगा कि आप सब लोग जहां काम कर रहे हैं वहां आपके इनिशिएटिव से, प्रयासों से उस गांव का, उस जिले का, उस तहसील का, उस राज्य का गरीबों का हित कर सकते, गरीबों का विकास कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते और उनका जीवन आप सुसह्य बना सकते हैं। और इसलिए हमने तीसरी बात जो हमारे सामने रखी, तीसरा बिंदु ये रखा है जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है और जो थिंकिंग है वो ये है
कि जो हमारे समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन में अंधेरा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस व्यक्ति को पंडित दीनदयाल ने अंत्योदय के विचार में कहा कि उसको हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, उसका जीवन सुसह्य होगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये सामाजिक आर्थिक चिंतन, ये तीसरा बिंदु हमारे कार्य का है। चौथा बिंदु जो हमारा है वह है सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मनी। जात पंथ धर्म भाषा लिंग भेद इसका विचार न करते हुए कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता, इस बात पर विश्वास रखकर समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, धार्मिक विवाद, जातीय विवाद, भाषिक विवाद समाप्त करके हम देश में सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समता समरसता तो हमारी कमिटमेंट है ही, सोशल जस्टिस हमारी कमिटमेंट है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर कमिटमेंट, हमारी कटिबद्धता है, तो इसलिए सोशल हार्मनी। और जो पांचवी बात को लेकर हम चल रहे हैं कि हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत बहुत महत्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, हमारे क्रांतिकारक महात्मा गांधी जी जैसे थोर नेता, बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे थोर विचारक नेता, इन सब से प्रेरणा लेकर कहीं रामायण, कहीं महाभारत, इन सभी से प्रेरणा लेकर जो हमारे मूल्य है, जो वैल्यूज है, उसके आधार पर भारतीय समाज के जो रचना हुई है, जो पूरी दुनिया में नंबर एक पर मानी जाती है, लोग बड़े अच्छे तरीके से हमारी सामाजिक सिस्टम की तरफ देखते हैं, उन सामाजिक इतिहास और विरासत को लेकर आधुनिक विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम दुनिया को, हमारी मातृभूमि को दुनिया की नंबर एक की ताकत बने, हम पूरे विश्व में नंबर एक पर हम पहुंचे, दिस इज द टारगेट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। अगर ये पूरा करना है तो जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ानी है तो सबको काम करना पड़ेगा, मुझे भी काम करना पड़ेगा। अभी आईटी आ गई, अब सब नेताओं को एक्सपोज शब्द नहीं पर अब सबको क्या किया, ये अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग शुरू हो गया। सुधीर बाबू, मैंने 980 सदस्य बनाए भारतीय जनता पार्टी, अब कंप्यूटर पे एंट्री आएगी, मैं जिस वार्ड में बना रहता हूं वहां कितने बने आ गई, मैं जिस विधानसभा में रहता कितने आ गई कंप्यूटर पर, और मैं जिस लोकसभा में रहता हूं मुझे पता नहीं, पर अभी तक 2.5 लाख सदस्य बने और 3 लाख सदस्य हम लोग नागपुर में करेंगे। 3.5 हो गए, तो मुझे लगता है कि शायद देश में सबसे ज्यादा मेंबरशिप नागपुर में हुई, कंप्यूटर पर गिनी जाएगी। अब कोई नेता अगर 1 घंटा भाषण देगा तो मैं तो उसको पूछूंगा, 1 घंटा भाषण सुना राज पुरोहित जी, पर तुम्हारे वार्ड में कितने मेंबर बनाए मुझे बताओ। तो ये भी कंप्यूटर, ये आईटी के कारण ये भी संभव हुआ है। एमएलए ने कितने किए, एमपी ने कितने किए, किसने क्या किया, सब होगा। तो ये जैसे राजनीति के लिए उपयोग का है आईटी सेल, वैसा ये हमारे समाज का जीवन सुसह्य बनाने के लिए भी उपयोगी है। जैसे पीडीएस सिस्टम छत्तीसगढ़ में शुरू हुई, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में रेशन की दुकान में जो ट्रक्स जाती है पीले रंग की, उसको जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है और 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है, गरीब से गरीब के घर अनाज जा रहा है। प्रधानमंत्री ने, प्लानिंग कमीशन ने छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम की तारीफ की। मुझे मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी मेरे गांव राज्य में कौन से किसान ने कौन से जगह कितनी पैड़ी बेची है 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में। अगर आप मुझे नाम बताइए, मैं अपने मोबाइल फोन पर आपको उसका नाम बताता हूं, उसका रेट कितना मिला, उसको पैसा कितना मिला। तो तुरंत उन्होंने नाम करके मुझे बताया इसको इतना इतना पैसा मिला। तो मुझे लगता है इसके कारण क्या
रेशनिंग के दुकान का ब्लैक मार्केट बंद नहीं होना चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूं और इंडियन रेस्टोरेंट को ढूंढता रहा। मैं 18 दिन कनाडा में था तो आईपैड था मेरे पास, तो मैं कोई भी गांव में जाने के बाद पहले आईपैड लेके निकालता था कि इंडियन रेस्टोरेंट की लिस्ट क्या है। और मुझे वैंकोर में, विक्टोरिया में, मॉन्टेरियल में, टोरंटो में एक मिनट में मेरे पास लिस्ट मिल जाती है कि कौन से इंडियन रेस्टोरेंट से, कौन से साउथ इंडियन है, कौन सा नॉर्थ इंडियन है, क्या क्या है, कौन सी डिशेज बनाई है, कहां जाना है। मैं तुरंत प्लेन में उतरते पहले देखता था यहां जाना है। सो नॉलेज इज ए पावर। और इसका उपयोग जो है वो हम सबको करना है। और इसलिए अभी जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझने के लिए बता रहा हूं कि महानगर पालिका है, जिला परिषद की अध्यक्ष है। अब शुगर फैक्ट्री हमारे यहां हमने वो जीपीएस सिस्टम बिठा दिया। अब 700-800 ट्रक है, 200-250 गाड़ियां घूमती है। अब वो जीपीएस सिस्टम के कारण कोई ट्रक अगर खड़ा होकर अगर कोल निकाल के बदमाशी करता है तो समझ जाता है, तो इससे चोरी बंद हुई, वेस्टेज कम हुआ। नहीं तो महानगर पालिका की गाड़ियां जो है कहां जा रही, कौन वापर रहा, कौन से रिश्तेदार घूम रहे, कौन नगर से, वो कहां जा, पता ही नहीं किसी को। जीपीएस सिस्टम में वो कॉर्पोरेशन में रिकॉर्ड आ जाएगा कि कहां गाड़ी गई कहां नहीं गई। तो इससे आप मिसयूज बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग परफॉर्मेंस का कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कानून पास किया, लोक सेवा गारंटी अधिनियम। ऐसे अनेक चीजें हैं। देखो मुझे यह कहते हुए संकोच होता है, मैं शर्म होती है ये शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, पर आपको भी होनी चाहिए। महानगर पालिका में, जिला परिषद में और सरकार के ऑफिस में लोग क्यों आते हैं? मैं हांगकांग के मंत्रालय में गया, एक भी आदमी मुझे दिखा नहीं। और हमारे यहां जैसे लोग घुसते सुबह 8 बजे से लेकर, क्योंकि उनके छोटे छोटे काम नहीं होते। आपने कहा गया बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए हमको, ये इतने इतने कागज देकर, डेट देकर ये ईमेल करा दो, 3 दिन के अंदर आपके यहां मिल जाएगा। अगर उसने 3 दिन में अगर नहीं दिया तो मध्य प्रदेश के सरकार ने जो नियम बनाया है कि 15 दिन में नहीं दिया कलेक्टर की जिम्मेदारी है, तो कलेक्टर पर फाइन लगाओ। कमिश्नर की जिम्मेदारी है, कमिश्नर पर फाइन लगाओ। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, होटल का परवाना, क्यों लोग आते ऑफिस में? अगर आप बैठे हुए लोग अगर कोशिश करेंगे तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी, लोगों को ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिससे हम लोग, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि लोगों की तकलीफ केवल कम कर सकते, ऐसा नहीं। ये जितने करप्शन के स्कैंडल हुए हैं, अगर हमने ई गवर्नेंस का उपयोग किया तो हम 70-80% करप्शन और रेड टेपिज्म को समाप्त कर सकते हैं और देश में अच्छा शासन ला सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम करना चाहते हैं, ये कैसा करना चाहिए, इसके लिए कॉन्फ्रेंस है। हम गरीब आदमी के जीवन को कैसे सुसह्य बनाएं? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां एक बात अच्छी आई, और आईटी सेल को भी मैं कहूंगा कि अब आप भी कुछ मॉड्यूल तैयार करिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मॉड्यूल। आज हमारे नए कुछ तो 70-80 मेयर है, ये दिन भर हार डालते, कटआउट लगाते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इससे तुमको कोई याद नहीं करेगा, इससे कोई चुनके भी नहीं आता। आपने अगर लोगों को राहत दी और लोगों को लगा कि आपके कारण कुछ हुआ तो लोग आपको याद रखेंगे। मैं मंत्री नहीं हूं, महाराष्ट्र में मैं फ्लाईओवर्स बनाया ये भी भूल गया हूं, और एक्सप्रेस हाईवे बनाया ये भी भूल गया हूं, पर मुंबई में रोज जो आदमी चलता है उसका एक एक दो दो घंटा बस तब मुझे याद करता है। तो आपने अगर लोगों के चक्कर अगर कम कराए तो लोग आपको याद करेंगे। इसलिए महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत, जुडिशियरी, उसके बाद में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इन सब बातों में, पार्टी में, व्यक्तिगत रूप से भी। अब तो पवार साहब ने कहा कि अब मोबाइल फोन ही कंप्यूटर बन गया, आपको सब जानकारी वहां उपलब्ध है। तो आप अगर आपने इसके बारे में इंप्लीमेंट अगर किया तो आपके यहां के लाखों करोड़ों लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
और इसलिए इसमें क्या है, पहली बात इसमें एक ट्रांसपेरेंसी है, लोगों का कल्याण है, रूल ऑफ लॉ का इंप्लीमेंटेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, स्पीड एंड डायनेमिज्म है, बेटर क्वालिटी एंड डिलीवरी है, डायरेक्ट बेनिफिट टू बेनिफिशियरीज है। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट टू बेनिफिशियरीज है, इसके कारण जीवन सुसह्य हो सकता है। जैसे अगर आपने आपके इंस्टीट्यूशन में एक छोटी सिस्टम डाल दी कि 10 बजे सबको आना है, तो 10 बजे अगर कोई अंगठा लगाने का काम शुरू हुआ तो आपको पता चलेगा लेट कौन आया, तो आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। अभी मैं नागपुर महानगर पालिका में एक प्रोजेक्ट चल रहा है 24/7, हम 24 घंटे पानी देने का योजना बनाइए। अब इनके यहां एक चेंबर ऑफिस में बैठकर कौन से पानी की टैंकी में वाटर लेवल कितनी है, कौन से जगह कितना डिस्ट्रीब्यूशन पानी का हुआ है, कहां प्रॉब्लम है, कहां पानी नहीं गया, एक मिनट में आप आपके ऑफिस में बैठकर समझ सकते हो। पूरे गरीबों को, कोई भी बस्तियों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अगर होगा और वाटर वेस्टेज बचेगा और उसके पानी की अकाउंटेबिलिटी भी होगी किसने क्या किया और ऑडिटिंग भी होगा, तो सेविंग भी होगा, लॉसेस भी कम होंगे, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, लोगों को भी राहत मिलेगी। अभी बहुत सी चीजें ऐसी है और इसलिए मैं गुप्ता और इनको गोयनका जी को दोनों को बोलूंगा कि थोड़ा सा आप आईटी के हैं और इसको और छोटा लाइए और जरा प्राथमिक लेवल पर लेकर आइए और छोटे छोटे इसमें आप अध्ययन करिए। तीन तीन लोग कमेटी बनाकर बेंगलोर महानगर पालिका, सुरेश जी उपस्थित है, इतना अच्छा काम बेंगलोर महानगर पालिका ने आईटी में किया है कि अगर बेंगलोर महानगर पालिका में जो आईटी का काम किया है वैसे देश भर में बीजेपी रूल गुजरात की महानगर पालिका होगी, अहमदाबाद की होगी, वाराणसी होगी, नागपुर, कितने मेयर्स हमारे हैं। हम देश की 36% आबादी को हम कंट्रोल करते हैं और वो सब मेयर मिलकर जो बेंगलोर में हुआ है वो वाराणसी में होगा, जो वाराणसी में हुआ वो नागपुर में होगा, नागपुर में हुआ वो लखनऊ में होगा, लखनऊ में जो होगा वो कानपुर में होगा, कानपुर में जो होगा वो मुंबई में होगा, मुंबई में होगा वो पुणे में होगा। अगर ये होता जाएगा तो इससे क्वालिटेटिव रिफॉर्म होगा। तो आईटी सेल की ओर से मेरा अनुरोध है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आम आदमी का जीवन सुसह्य बनाना चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार महंगाई से मुक्त समाज निर्माण करना चाहते हैं, तो हम कौन से क्षेत्र में हो सकता है, तैयार है। मुझे कभी कभी समझ में आता, मैं बहुत आंदोलन में रहता था तो 11 बजे कोर्ट में जाते थे और हम लोग बैठे रहते थे वहां, कोई पान की पिचकारी मार रहा है, कोई हाफ चाय पी रहा, दिन भर 3 बजे वो आता था, नितिन वर्सेस स्टेट, फिर हम जाते थे कोर्ट के सामने, फिर वो बोलता था साहब ने तारीख दे दी घर जाओ, फिर हम घर चले जाते थे। मेरे कभी ये समझ में नहीं आया कि ये पहले ही बताता तारीख होती तो हम आते नहीं, हमारा पेट्रोल खराब नहीं होता, हमारा समय नहीं खराब होता। अगर आपने पहले ही आपके लैपटॉप पर या अपने आईपैड पर या मोबाइल फोन पर पता चलेगा कि आज तारीख होने वाली है तो जाएंगे नहीं, तो पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, समय बचेगा, ट्रैफिक बचेगा, रेलवे के लोग कम हो जाएंगे। कोर्ट इधर है, पूरे मुंबई से आकर सब जाते हैं वहां, वकील जा रहे, ये जा रहे, चलने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, चाय पीने के लिए जगह नहीं, पार्किंग के लिए जगह नहीं, सब ओवरफुल, ओवर पैक, हाउसफुल। घर में पता चलेगा तो लोग नहीं आएंगे, आपका जीवन सुसह्य होगा। काय के लिए चक्कर झटके मारने के लिए, पहले कह के आज तारीख नहीं है, बैठो वहां 11 बजे से जाके बैठो, सर वकील साहब आए सब, अब तारीख हो गई, घर जाओ। कितनी सिस्टम है ऐसे, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन अवर ओरिजिन, इन अवर सोशल लाइफ, इन अवर पॉलिटिकल लाइफ, इन अवर एडमिनिस्ट्रेशन, इन अवर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन अवर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स, कितना फायदा है और इससे हम लोगों को बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे ये बात का अनुरोध है कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें जो है जिसको हम लोग लेकर चलते हैं, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड यूजर्स इंटीग्रेशन एंड एक्सेसिबिलिटी टू ऑल। अब ये जो सबके साथ अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी से अगर एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों को बहुत राहत मिलेगी। संजय गांधी निराधार योजना,
मैं इतना दुख के साथ कहता हूं, तीन तीन महीने पैसे नहीं देते, 500 रुपए मिलते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में जाओ, लूढ़े लंगले अंधे बहरे ऐसे बैठे रहते, पैसे आए क्या, भेजा क्या चेक, क्यों तकलीफ देते हो लोगों को। डायरेक्ट मैं जब मंत्री था तब मैंने कहा कि इनके पैसे इनके बैंक अकाउंट पर डायरेक्ट जमा करो। सरकार में ऐसे बाबू है, उन्होंने उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन निकाला कि अगर ये डायरेक्ट बैंक में जमा किया और वो मर गया और फिर किसी ने नाम से निकाले तो क्या भाई, इसलिए वो ऑफिस में आए अंगठा मारे और उसके पहले 10 रुपए मेरे हाथ में दे, मैं रखू फिर उसको चेक दियो। करप्शन इसके कारण है, मोर रिस्ट्रिक्शन मोर रेटेपिज्म मोर करप्शन। हमारे टैक्स लॉज में, हमारे सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, किसी भी, सब लोगों को तकलीफ देते हैं और सब एक दूसरे को ठोकते रहते हैं। बिल्डर घर बेचता है तो ग्राहकों को लूटता है, ग्राहक कई नौकरी करता है तो आए हुए लोगों को पैसे लिए बिना काम नहीं करके उसको लूटता है, फिर वो जाता है कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट बनाता है तो डोनेशन लेके वो दूसरे को लूटता है, फिर टीचर बनता है तो ट्यूशन लेकर वो उनको लूटता है, फिर ऐसा करके ये विशियस सर्कल है, सब एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। फिर नेता के पास जाए, नक्शा सैंक्शन करना है, वो भी लूटता है। तो सभी को कहीं ना कहीं एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। नहीं, आप में से ऐसे कोई नहीं है। मैं आम तरीके की जो है वो बात कर रहा हूं, सब एक दूसरे को तकलीफ देने की स्पर्धा कर रहे हैं। कोई किसी को सहज मार्ग से कोई काम करने के मूड में नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे ये 25 टेस्ट पहले करके लाओ। अच्छा, ये लाते ना, नहीं नहीं उसी डॉक्टर के पास से लाओ, वही उसी पर मेरा विश्वास है, ये कार्ड लो ये चिट्ठी लो उसी के पास दो। क्यों? तो मुझे पता है, मुझे 50 डॉक्टर मिले फॉरेन में। मैंने बोला कैसे आए? वो हम जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी वालों की तरफ भेजते उन्होंने ट्रिप अरेंज की थी, इसलिए हम विद फैमिली आ गए। अरे ये जो एक दूसरे को तकलीफ सब तरफ दी जाती है, क्यों? लेट अस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाइए, टाइम बाउंड बनाइए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाइए और काम करा दीजिए। लोगों को बड़ी खुशी, लोग चक्कर काटते ना अपने घर में 4 बार, इसका आनंद होता है। बहुत नेताओं को रोज घुमाते रहते हैं, आ जाओ कल आओ, 8 बजे आओ, दोपहर आओ, शाम को आओ, चिट्ठी दो, पत्र दो। मुझे बहुत याद है कि जो जितने चक्कर कटवाते हैं वो लोग कसम खा के उनके घर से निकल, तो चुनाव में खड़ा ही हो जा। फिर मैं तेरे को दिखाता हूं कैसे चक्कर काटना है। और जब अनेक लोग जो मूर्ख बनाते लोगों को, जब हम जाते हैं तो लोग ऊपर से आवाज मारते हैं, तब पानी नहीं आ रहा था, 10-10 बार आया, आ जाओ कल आओ दोपहर, चल जा हम नहीं देते वोट तेरे को, निकल। वो भी इसी भाषा में कहते हैं। सिस्टम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए, तो लोगों को फायदा होगा। और यह फायदा उसी समय हो सकता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और इसलिए ये एक ही फील्ड में हम काम नहीं कर रहे, हिंदुस्तान में हम लोग हिंदुस्तान का भविष्य बदलना चाहते हैं। अभी एक कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी 17-18 कॉन्फ्रेंसेस हुई, अभी एक कॉन्फ्रेंस है, विनय जी उसके तरफ देखते हैं कि मेल न्यूट्रिशन के कारण हर साल देश में 50,000 से 55,000 आदिवासी बच्चे कुपोषणग्रस्त होते, कुछ महिलाएं मर जाती है। हमारे यहां गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां डॉक्टर अभय बंग जी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया और वहां उन्होंने ये इस पर मात की है। तो पूरे देश भर के हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन से तारीख को आने वाले, 8 तारीख को पूरे देश के हेल्थ मिनिस्टर गढ़चिरौली में जाकर दिन भर वर्कशॉप है और उसमें अध्ययन करके अपने राज्यों में वो स्कीम इंप्लीमेंट करके, अगर 55 लाख लोग अगर इसके ग्रस्त है, लाखों लोग अगर मर रहे हैं, तो हमारे प्रयासों के कारण अगर उसमें से लाखों लोगों की अगर हम जान बचा सकेंगे, मेल न्यूट्रिशन का ये अगर प्रमाण कम कर सकेंगे, तो हमारा ये सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए और समाज के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद है एंड दैट इज द मिशन ऑफ द पार्टी। गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज। और आज हमारा कारण क्या है? कोई भी चीज करने के लिए हमको नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता चाहिए, नेतृत्व को विकास की दृष्टि चाहिए। जैसे विकास की दृष्टि के साथ ई गवर्नेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी, सही नीतियां, विकास की दृष्टि चाहिए, टाइम बाउंड रिजल्ट निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। ये जो निर्णय न करने वाले मेयर है, डेप्यूटी मेयर, आपको दुनिया भूलेगी नहीं, आपका पॉलिटिकल करियर खत्म होगा।
जितने एमएलए एमपी है, देखो आपको कोई बताता नहीं, क्योंकि आपके सामने सब तारीफ करने वाले लोग आते हैं। आपका जीवन वनडे क्रिकेट जैसा है, 20-20 ओवर का है। आज तुम यहां आए, तुम्हारे मेयर के या तुम्हारे जिला पंचायत के अध्यक्ष के या एमएलए का एक दिन कम हो गया, आने वाला हर दिन तुम्हारे करियर का एक एक दिन कम कर रहा है। तुम उसका अगर सही उपयोग नहीं करोगे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए और समाज के लिए, तो जब 5 साल के बाद तुम जब लोगों के सामने जाओगे तो फिर आप ये करो। और ये कहते लोग, हमने तो अच्छा काम किया और लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि देखो हर आदमी को ऐसे ही लगता है कि वो सही है। मैं पहले भी समझता था कि मेरा वजन बहुत कम है, आज भी मैं समझता हूं मेरा वजन कम है, पर मैं कितना हूं ये आपको दिखता हूं। और इसलिए मैं जब बहुत वजनदार था तब भी मैं समझ रहा था कि मेरा वजन कम हो रहा है, मैं बहुत लाइट हो रहा हूं, तब वजन बहुत ज्यादा था। तो ये ऐसा है, ये देवानंद थ्योरी है। हर आदमी अपने को हीरो समझता है, भले वो गंजा भी हो जाए तो भी वो गंजे पर भी कंघी घुमाता है, वो तो लगता है कि नहीं मैं मेरा ठीक है, मैं हीरो जैसे हूं। तो ये समझना अलग है, ये तुम्हारा परसेप्शन होगा, लोगों का नहीं होता। आप माफ करिए, लाइफ इज टू शॉर्ट, योर रेजिम इज टू शॉर्ट। वन डे क्रिकेट जैसे 20 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे तो लोग याद करेंगे, और 20 ओवर खेलने के बाद मैं तो नॉट आउट रहा और मैंने 12 रन निकाले, लोग बोले आउट क्यों नहीं होता, आउट हो जल्दी। आप देखते हैं ना क्रिकेट में, कोई अगर रन नहीं निकालता तो हम देखते से बोलते आउट क्यों नहीं होता, ये काय के लिए खेल रहे, जाओ जल्दी। और आपको अगर ये काम करना है तो आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे। देने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, सही कानून बनाने पड़ेंगे और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा, तब गरीबों का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और लोग हमको याद करेंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज की ये कॉन्फ्रेंस हमारी शुरुआत है। अभी ये रामबो मार्गी प्रबोधिनी है, वसंतराव भागवत स्मृति संस्था है, अब दिल्ली में भी हमको 2 एकड़ जगह मिली है, बहुत प्राइम जगह मिली है नई दिल्ली में दीनदयाल मार्ग पर, और हम लोग 50 करोड़ रुपए खर्चा करके इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां खोल रहे हैं, ताकि हम देश भर के मेयर को 2 दिन बिठाकर बोलेंगे कि ये बंगलोर ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये प्रोफाइल है, ये आप करिए। और ये भी कोशिश करनी चाहिए सुरेश जी कि आपके राज्य में अगर कोई अच्छी चीज डेवलप हुई है तो जो हमारी अन्य देश की महानगर पालिका है, नगर पालिका है, आप केंद्र सरकार को भी कहिए कि वो उसमें थोड़ा चार्ज देकर वो जानकारी उनको दे। ये जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपने प्रॉपर्टी टैक्स पर बहुत अच्छा किया है, बेंगलोर में पूरा कंप्यूटराइज हुआ है और वो भी सैटेलाइट्स, तो आप क्या बदमाशी नहीं होती। और इसलिए जब सब चीजें अच्छी होगी, केवल आईटी का उपयोग अगर हम कॉरपोरेशंस में करेंगे तो हमारा रेवेन्यू 1.5 गुना बढ़ेगा, केवल रेवेन्यू 1.5 गुना बढ़ेगा, लोगों को तकलीफ नहीं होगी और एक्सपेंडिचर में 40% सेविंग हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में सेविंग हो जाएगा, मिसयूज बंद हो जाएगा और लोगों को झटके नहीं पड़ेंगे, उनको बार बार आने की तकलीफ नहीं होगी, घर में बैठकर काम होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि कल्याणकारी राज्य में हम सब लोगों की यह कटिबद्धता है कि हमारी डेस्टिनेशन है विकास, और वो गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विथ ई गवर्नेंस, इस संकल्पना को लेकर हमने किया। पार्टी को भी सुधार रहे, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुआ, परसों भारत बंद का कार्यक्रम हुआ, मैं तो बाहर था, रामलाल जी ने 16 राज्यों के संगठन मंत्री और अध्यक्षों को कार्यालय में बुलाया, आप बात की और कहा भारत बंद का कार्यक्रम है, ऐसा ऐसा करना है, आओ। फिर नहीं तो राजपुरोहित सुबह उठते थे, फिर एक एयर टिकट लेना, फिर प्लेन में जाना, फिर महाराष्ट्र में रुकना, फिर कार्यालय में जाना, फिर कार्यालय में मीटिंग में वही बताया उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया, जाना आना कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा अटेंडना, ये क्यों कर रहा है, काय के लिए टिकट खरीदना। हाँ, टेक्नोलॉजी अच्छी होने के बाद ह्यूमन रिलेशनशिप की तरफ दुर्लक्ष मत करिए, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिटिक्स। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय भी ह्यूमन रिलेशनशिप का फाइबर और मजबूत बनाना चाहिए, उसके लिए मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, साथ में रहकर सब करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए। विज्ञान तंत्र विज्ञान आया इसका मतलब हमने उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे मन में गलतफहमी कभी कभी आती है कि भारतीय जनता पार्टी इज इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन
वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। आईटी हमारा है, आज पूरे दुनिया में नंबर एक पर भारतीय लोग अगर कोई है तो हमारे पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देश में दुनिया में राज कर रहे हैं। मैं जापान में गया था तो वहां मुझे वहां के एक उद्योगपति ने पूछा था कि इंडिया में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इतने होशियार कैसे हैं, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स हैं कि वो इतने होशियार हैं। और मैं सोम मित्तल जी है, पवार जी है, इनको बहुत हमको इनका अभिमान है। ये लोग आज वर्ल्ड को गाइड कर रहे हैं। हमारे राजेंद्र पवार जी ये चाइना के एडवाइजर हैं, देश को दुनिया को दिशा दे रहे हैं। नासा में हमारे लोग हैं। और आज आईटी में मुझे दुख होता है, इन वर्ल्ड इंडेक्स ई गवर्नेंस में 2010 में हमारा रैंक 119 था और 2012 में हमारा रैंक 125 है वर्ल्ड में। क्या हमारे लिए अच्छी बात है? यह सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है। क्या हमारा देश आगे नहीं जाएगा? इतनी बड़ी हमारे पास ये स्किल्ड मैन पावर है, टैलेंटेड है, जीनियस लोग है, इसके बाद हम नंबर एक पर नहीं है। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, कहीं भी जाओ, अगर चाइना में भी मैं गया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का इंटरव्यू लेना है तो पहले देखते इंडियन कितने, टिक मार्क करो, उनको ले लो। ये हमारा रेपुटेशन है। और हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे देश में गवर्नमेंट में, हमारे देश की जुडिशरी में, सेमी गवर्नमेंट, कारपोरेशन, नगर परिषद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत तक, हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे? गुजरात सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, बेंगलोर ने, कर्नाटक सरकार ने तो आईटी में इतना अच्छा काम किया है, हम कर सकते हैं। और इसलिए मुझे बता रहे थे गुप्ता जी कि हमारे कितने गोल्ड मेडल कर्नाटक की सरकार को मिले ई गवर्नेंस के, कितने गोल्ड मेडल हमारे गुजरात सरकार को मिले हैं, छत्तीसगढ़ की हमारी पीडीएस सिस्टम की तारीफ प्लानिंग कमीशन ने की, प्रधानमंत्री ने की, और आज छत्तीसगढ़ में गरीब आदमी को चावल मिल जाता है, कोई ब्लैक मार्केट नहीं, कोई शुगर का ब्लैक मार्केट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सिस्टम बन गई। हम कर सकते हैं, हम इस देश के गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, जो 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने भाषण में कहा था, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। हमारे देश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, महंगाई से मुक्त कर सकते हैं। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, देश धनवान है पर जनता गरीब है, क्योंकि हमारा प्रबंधन खराब है। अच्छी सही नीतियों के साथ, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस के साथ, डेवलपमेंट का अप्रोच स्वीकार करके, ई गवर्नेंस का उपयोग करके हम देश की तरक्की कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, देश को दुनिया की नंबर एक की ताकत बना सकते हैं। मेरे मन में पॉजिटिवली आत्मविश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं में है, और देश के पुनर्निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। विवेकानंद जी का भाषण याद करिए, इस बार 150वीं उनकी जयंती मना रहे सब जगह पर, क्या कहा था विवेकानंद जी ने? उनने कहा था कि 21वीं सदी जो आने वाली है वो भारतीयों की होगी। इन्होंने पूरे विचारों के आत्मविश्वास के साथ ये बताया था। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 19वीं सदी जो थी वो अंग्रेजों का यूनियन जैक सत्तर था, 20वीं सदी जब आई तो अमेरिका एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई, और 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी की है, वो हिंदुस्तान की है और भारतीयों की है। और ये नॉलेज, ये पावर है, ये सबसे बड़ी पावर है। मैं तो मानता हूं कि ये पावर से कोई पावर बड़ी नहीं है। इस पावर का ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द रूरल सेक्टर, लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, गरीब से गरीब व्यक्ति तक जाना, उसका जीवन सुसह्य बनाना, गांवों को सक्षम करना, जिला परिषद पंचायत को सक्षम करना, महानगर पालिका नगर पालिका को सक्षम करना, राज्य शासन के डिपार्टमेंट्स को सक्षम करना, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट को सक्षम करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड परिणाम लाके दिखाना, और देश के जीडीपी को, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स को और आगे बढ़ाकर, आगे लेकर जाकर देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास करना,
यही राष्ट्रवाद का विचार हमारा मिशन है और इसलिए ये हमारी टेक्नोलॉजी है। हमारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और इसको और आगे बढ़ाकर दो दिन में आप बैठने वाले हैं। मुझे यहां का पूरा टाइम टेबल पता नहीं है, पर अगली बार हम ये कोशिश करेंगे कि महानगर पालिका में ई गवर्नेंस कैसा है इसकी सीडी आपको तैयार करके देंगे, नगर परिषद में कैसा हो सकता है इसकी सीडी बना के देंगे, देश भर की जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर आप बोलेंगे जिला पंचायत का उसका देंगे, राज्य शासन में डिपार्टमेंट में कैसे अच्छा काम किया गुजरात ने उसका एक करके वो आपको देंगे, और हमारे सोम जी है, प्रताप जी है, पवार साहब है, इनसे सलाह करके और उसको ऐड करके जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो सॉफ्टवेयर अलग अलग बने हुए हैं वो आपके पास पहुंचाएंगे। आपने इनिशिएटिव बताया, आपने पॉजिटिव अप्रोच बताया, आपने आपके यहां जब जिस पद पर आप गए आपने कुछ करने का संकल्प किया और करके दिखाने का अगर संकल्प करके आपने काम किया तो आप लाखों का जीवन बदल सकते हैं। जो लोग यहां आए हुए हैं वो खुद का तो जीवन बदल सकते ही है, पर आपके एक इनिशिएटिव से आप लाखों का जीवन बदल सकते हैं। ये हॉल अच्छा है इसका मतलब क्या है, या खिड़कियां अच्छी है, ये पंखे अच्छे है, ये सब कुर्सियां अच्छी रखी है, लाउड स्पीकर अच्छा है, समझो कुर्सी ऐसी रहेगी कि आप बैठो तो टूट जाएगी, एसी वर्क नहीं करेगा, वायर जो है वो टूटी होगी होगी, तो इसको कोई अच्छा हॉल नहीं कह सकता। देश की प्रगति और विकास करना है तो हमको आइडेंटिफाई करना होगा विच आर द फील्ड्स, एग्रीकल्चर में क्या करना, इंडस्ट्री में क्या करना, कल्चर में क्या करना, एजुकेशन में क्या करना, बायोफ्यूएल में क्या करना, सभी जगह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या करना, इरिगेशन में पानी पे क्या करना, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इथिक्स हमारे क्या है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट हम कैसा चाहते हैं और इकोनॉमी हम किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, तीनों बातों का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। आप सब भी विचार कर रहे हैं, सुदेंद्र कुलकर्णी जी को मैंने काम दिया, 250 लोग काम कर रहे हैं कि हम इंडिया विजन 2025 बनाए, कि हमारे देश के विकास का रोड मैप क्या होगा, और वो रोड मैप लगभग इस साल दिसंबर में हम उसको अंतिम स्वरूप देंगे। उसमें ई गवर्नेंस एक सब्जेक्ट है और ई गवर्नेंस में 100 सब्जेक्ट है और शायद 1000 सब्जेक्ट निकलेंगे। एक एक सब्जेक्ट पर प्लानिंग इन एडवांस इन डिटेल बनाकर जो जो अच्छा कार्य हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देकर हम लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सुसह्य बनाए, देश की प्रगति और विकास करें। और 21वीं सदी की राजनीति पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस है। हम बार बार कहते हैं कि हम हमारी मातृभूमि को वैभवशाली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये केवल भाषण से नहीं होगा, ये कृति से होगा। और उस कृति का मार्ग जो अनेक जगह से जाता है उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिस पर आज बहुत अच्छी चर्चा या दो दिन होने वाली है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से इस सब का उपयोग करके यहां से प्रेरणा लेकर आप जहां भी आप जहां जहां काम कर रहे हैं वहां जाकर, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे हमारा संगठन हो, चाहे आप जिस कारपोरेशन में काम कर रहे हो, वहां वहां इसका उपयोग करके आप अच्छा से अच्छा कार्य करें, यही भारतीय जनता पार्टी की आप सबसे नम्रता पूर्वक अपेक्षा है। और इस कार्य में भगवान आपको बहुत अच्छी सफलता दे, यही आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं विनीत जी से विनती करता हूं, जोरदार तालियों से इतना सुंदर भाषण हमने सुना। मैं विनीत जी से विनती करता हूं कि सुधीर बाबू का बुके देकर स्वागत करें। और एक मिनट, इसको दे दो। अभी ओ मैं बोलता हूं ना, विठल खरत मंत्री बुके देंगे। आता कोणी पूरी येऊ नका। हाँ हाँ एक मिनट सब। ओ चलिए ना, एक मिनट रुकेंगे, आइए चला दोनों कार्यक्रम। एक मिनट नितिन जी।
अभी ये शानदार कॉन्फ्रेंस हुई तो क्या करता तुम्हें नितिन जी हमारे इस सुंदर कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आदरणीय नितिन जी से विनती करता हूं कि वो विनीत फलका जी को मौके देकर उनका धन्यवाद करे मुके दो आज हमारे विधायक योगेश सागर जी का जन्मदिन है उनको भी मौके देकर उनके जन्मदिन की बधाई देंगे और नितिन जी आज की आपकी प्रेरणा लेकर और इस आईटी कॉन्फ्रेंस में मुंबई में 64 सेल स्थापित किए परंतु हमारा आईटी सेल नहीं था तो इस आईटी सेल के लिए आईटी मुंबई और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिपिन टिकू को हम आईटी सेल का संयोजक मुंबई क्या करते हैं जोरदार तालियां स्वागत करें और नितिन जी विनती करता हूं हमारे इस मंडल हमारे इस मंडल और जिला के कैप्टन सेल्वन और हमारे विठल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहते हैं कृपया वो बड़े हार माला देकर स्वागत करें स्वागत का कार्यक्रम कई लोगों का मन होगा लेकिन करेंगे प्रेस को दो मिनट रुक जाइए।